गीता में अर्जुन को स्वयं भगवान कह रहे हैं कि उस परमेश्वर की शरण में जा, उसके लिए उन संतों के पास जा जो तत्वदर्शी हो। इसी प्रकार हजरत मोहम्मद को उनका अल्लाह कह रहा है कि कोई और पूर्ण परमात्मा है, उसको पाने के लिए उन तत्वदर्शी संत की तलाश कर। वो प्रभु कौन है ये जानने के लिए कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। सतगुरुदेव की जय। सर्वसंगत से प्रार्थना है, सत्संग प्रारंभ हो रहा है, कृपया सत्संग स्थल पर शांतिपूर्वक विराजमान हो करके श्रद्धापूर्वक सत्संग सुने। परमेश्वर की प्यारी आत्माओं से पुनर्निवेदन है, सत्संग प्रारंभ हो रहा है, कृपया सत्संग स्थल पर शांतिपूर्वक विराजमान होकर के श्रद्धा से सत्संग सुने। सत्साहे सतगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ कबीर परमेश्वर जी की जय। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज जी की जय। स्वामी राम देवानंद जी गुरु महाराज जी की जय हो। गरीब नमो नमो सतपुरुष को नमस्कार गुरु के नहीं। सुर नर मुनि जन साधुआ संतों सर्वस्ती नहीं। सतगुरु साहेब संत सब दंडो तुम प्रणाम। आगे पीछे मध हुए तिनको जा कुर्बान। नराकार निर्विषम काल जाल वैवंदनम निर्लेपम निज निर्गुणम अकल अनुबेशोंदनम। सोहम सुरति समापतम सकल समाना निर्तल। उज्ज्वल हिरंबर हरदम अम्बे परवा अथो है वार पार निमज्जतम। ग्रीब जो सुमर सिद्ध होई गण नायक गलता ना करो अनुग्रह सोई पारस पद परवाना। आदि गणेश मनाऊ गण नायक देवन देवा। चरण कमल लो लाऊं आदंत करूं सेवा। परम शक्ति संगीतम हृदय सिद्धि दाता सोई। अवगत गुण अतीतम सत्य पुरुष निर्मोही। जगदम्बा जगदीशम मंगल रूप मुरारी। तन मन अर्पो शीशम भक्ति मुक्ति भंडारी। सुर नर मुनि जन ध्यावे ब्रह्मा विष्णु महेशा। शेष शेष मुख गावे पूजे आदि गणेशा। इंद्र कुबेर सरीखा वरुण धर्म राय धावे। समर्थ जीवन जी का मन इच्छा फल पावे। 33 कोटि अधारा ध्यावे शेष 88। उतर बोझल पारा कट है यम की फांसी। 33 कोटि अदारा दावे से 88। उतर बोझल पारा कट है यम की फांसी। कर जोरू विनती करूं दरों चरण पर शीश। गुरु जी राम देवानंद जी महाराज ने दियो नाम बख्शीश। कोटि कोटि सिजदा करूं
कोटि कोटि प्रणाम, चरण कमल में राखियो में बंदी जाम गुलाम। कुता हूँ गुरुदेव का, रामपाल दास का नाम। गले प्रेम की जेवड़ी, जाखे चोवा जाऊं। तो करो तो बावड़ू, दूर दूर करो तो जाऊं। जो राखो त्यो ही रहूं, जो देवो सुख। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सर्वसृष्टि रचनहार कबीर परमेश्वर जी की असीम रजा से आप सभी पुण्यात्माएं परमात्मा के दरबार में पहुंचे और आपको यह सत्संग सुनने का शुभ अवसर प्राप्त हुआ। परमात्मा कहते कि एक जैसे एक व्यक्ति को 10-12 वर्ष के बाद पुत्र प्राप्ति हुई, खूब खुशी मनाई, बैंड बाजे बजवाए, हजारों की संख्या में व्यक्ति इकट्ठे करके भोजन करवाया, वाह वाह का पात्र बना, और अगले वर्ष उस जन्मदिन से पहले उस पुत्र की मृत्यु होगी जिसके लिए बैंड बाजे बजवाए थे। और अब क्या कर रहे हैं? अब टक्कर मार रहे हैं, रो रहे हैं। तो पुण्यात्मा, इस गंदे लोक में और हम खुशी मनावे, हमने भांग पी रखी है काल के इस कुएं की, और इस नशे में हम ये सब कुछ कर रहे हैं। जिसका नशा उतर जाएगा उसने अचीज सुहावे को दी। एक भक्त आया हमारे पास, नाम लिया उसने, 10-12 वर्ष पहले की बात है। उसको बताया गया, जैसे हम सबको बताते हैं भाई ये नाचना गाना ठीक नहीं, और जिन त्योहारों को आप मनाते हैं ये हम नहीं मनावांगे, क्योंकि इस गंदे लोक में आज खुशी मना रहे हैं, कल के रखे बिजली गिर गया। तो वो एक भगत दूसरा जो पहली बार आ रहा था, वो कहने लगा जी नो कैसे पार पड़ेगी। तो उसके साथ एक और भगत नाम लेना आया था किसी अन्य गांव से, वो कहने लगा भाई देख ले, मेरी सुन ले, मैं तो नाम लूँगा और सारी कंडीशन मानूंगा। वो कह रहा था कि हमने 10 वर्ष हो गए कोई त्यौहार नहीं मना लिया। क्यों नहीं मना लिया? कि कभी तो मेरे एक बार तो मेरे भाई की मृत्यु होगी, और एक साल फिर कुछ मनाना नहीं, अगले वर्ष मेरी बहन विधवा होगी, अगले वर्ष मेरे ताऊ के छोरे की मृत्यु होगी भाई की, यानी इस प्रकार 10 वर्ष हो गए हमारे घर में हमने कोई खुशी नहीं देख ली। तो भाड़ में जाओ इसी त्योहार तो ये मना लो ना, उसने उन त्योहारों ने जब ये हालत होगी आपकी, और हमको पता लग गया कि यहाँ ना जाने किस टाइम बिजली गिर जाए। तो पुण्यात्मा आपने यहाँ से निकलना है तो ये मर्यादा निभानी पड़ेगी। तो नानक साहब जी कहते ना जाने काल की कर डारे, और किस विध ढल जा पास आवे, जिनाते सरते मौत खुड़क दी उन्हानो केड़ा हासावे। तो यहाँ परमात्मा कहते हैं बेटा जाया खुशी हुई, भाई खूब बजाए थाले, ये तो आना जाना लग्या हुआ है जो कीड़ी का नाले। फिर क्या बताते हैं परमात्मा, साथी हमारे चले गए हम भी चलन हारे, कोई कागज में बाकी रह री भाई ताते लगी है वार। अब मरने वाला मर जाता है, कहीं दूसरे की कोई मृत्यु होती है तो होती रहो, जब अपना नंबर आता है तब पता चलता है ये कैसा लोक है, कहाँ आप रह रहे हो। तो क्या बताते हैं परमात्मा
कि आप देख रहे हो आपके कितने मित्र प्यारे रिश्तेदार कोई साथी बहन भाई ये कितने चले गए और आप भी चलेंगे। परमात्मा अपने ऊपर बता रहे हैं कि ऐसे विचार करो हम भी चलनहार और कोई कागज में बाकी रह गई यानी कोई संस्कार शेष आपके हैं और जिस दिन वो कागज पूरे होंगे वो श्वास पूरे होंगे एक सेकंड भी नहीं लगन देगा युगा जे कितना कंपल्सरी इंपॉर्टेंट काम आपका रखा रहे जो धरा रहेगा क्योंकि जो इम्पोर्टेंट काम था इस जीवन का वो तो आप करे ना रहे जिसने इसमें सहारा मिला आपको आपकी जीवन भी रक्षा हो आयु भी बढ़े उस भगवान का तो पता ही नहीं था आपको। अब पता चला है कि वो कबीर भगवान है जो हमारी आयु भी बढ़ा दे। मासा घटे न तिल बदे वेदना लिखे जो लेख साचा सतगुरु मेट कर भाई ऊपर मारे मेख जमचो राजा से डरे ये मिटे कर्म के लेख अदली असल कबीर है ये कुल के सतगुरु एक। तो जब तक हमें ये भगवान नहीं मिले थे तो हम यहाँ की व्यवस्था में अपने मनुष्य जीवन को बर्बाद कर जाते थे। तो यहां बता रहे हैं कि आपकी कोई कागज में बाकी है इसलिए आप यहां शेष आपका जीवन है तो आप बैठे हो और जिस दिन ये जीवन खत्म होगा सांस पूरे होंगे एक सेकंड नीला। एक भक्त बता रहा था कि मेरे मामा जी के 5 लड़कियां थी और हमारे समाज में एक ऐसी कुरीति फैल रही थी पहले दहेज और दान की। 3-5 लड़की तो इन्होंने सोच लिया उसकी मौत थी सारा जीवन वो उससे काम में मर जाना था तो उन्होंने तीन लड़कियों की इकट्ठी शादी करने का निश्चित कर रखा था। सारी तैयारी हो गई थी और मेरी मामी जी भात नोतने के लिए भात नोत कर वापस आवा थी रोहतक के बस स्टैंड पर खड़ी थी। जिसकी 3 बेटियां का ब्याह हो तो उसका दिमाग तो फिरकी बन जाए पता नहीं किसके सोच रही थी ये लाऊंगी वो लाऊंगी फलाना लाऊंगी कौन सी आइटम आ गई कौन सी रह रही है। इस चिंतन में वो वहां खड़ी थी ड्राइवर बस बैक करे था और कंडक्टर लाग गया पीछे पैसे कुछ बचे हुए दे उस साइड में खड़ा होकर यात्रियों को ड्राइवर ने कुछ देखा को ना बस टेढ़ी होकर वह बस और वो खड़ी थी पोल के सारे बस स्टैंड पे पुराने बस स्टैंड पे वह बस आके पाछे तो उसका ऐसी लगी और वह चिंता में पता नहीं के सोच रही थी नो करूंगी वो करूंगी फलान करूंगी ऐसी जोर की लगी आध घंटे तड़प कर मिनट में शरीर छोड़ गई अपन आत्माओं। कहते कोई कागज में बाकी रह रही तात देर लाग रही है और कितना कंपलसरी काम था कितना जरूरी कार्य था 3 पुत्रियों का ब्याह हो जिस माँ का उसको कितनी चिंता होती है। तो अब इससे हमने नो समझना पड़ेगा अब वो फिर ब्याह भी हुआ होगा और 6 महीने पाछा हो गया होगा। तो कहने का भाव ये है कि भक्ति बिना बात बने को नहीं राम नाम रटोगे तो परमात्मा इसी आपत्तियां ने भी टालेगा इसलिए तो भगवान को याद करते हैं। तो हम तो सीधे सूढ़े भाग रहे हैं हमें करेंगे सब कुछ जीव का क्या करेगा वो बेमतलब जो है ना हवा खा रहा है ये प्राणी ये अधरंग मार जा बांगा मुंह हो जा माखी बनर लकड़े अपला तून अब चला ले तो भगवान के सारे की इस जीव को घड़ी जरूरत है जिस कारण से यू इसको परमात्मा ना मिलने के कारण अपनी गलती पर गलती करके अपना जीवन नाश कर जाता है उसको फिर सतर्क करते हुए सत्संग में बताया जाता है। पतझड़ आवत देख कर बनरो वे मन माही वो ऊंची टहनी पात थे आज पीले हो जाही। परमात्मा इस काल के लोक की व्यवस्था को
और कैसे समझाना चाहते हैं संसार रूपी बन, और एक दिन ये सभी मनुष्य रूपी पदपात यहां से झड़ जाएंगे। तो कहते हैं पतझड़ आवत देख के, पतझड़ का मौसम आता है और बसंत प्रारंभ होती है ऋतु, तो उस समय पहले के सभी पत्ते वृक्षों के झड़ झड़ कर नीचे पीले होकर नीचे गिर जाते हैं, और वो पता नहीं कहाँ को गंदी नाली में सड़ रहा है, कोई पशुओं के पैरों के नीचे कुचला जा रहा है, और तुरंत नई कोपल फूट जाती है और तुरंत पत्ते फिर हरे भरे हो जाते हैं, और एक वर्ष वो पत्ते फिर फटफड़ करके मस्ती मार लेंगे, अगली पतझड़ में वो भी फिर ऐसे ही नीचे गिर कर दुर्गति को प्राप्त होंगे। परमात्मा समझाना चाहते हैं कि इस काल के लोक में यहाँ ऐसी व्यवस्था है कि जैसे दादा मर गया पोता पैदा हो गया, पोता भी दादा बनेगा, वो भी उसकी भी टिकट कटेगी, कौन सा सदा परमानेंट हो गया, तो हमने इस व्यवस्था को समझना पड़ेगा। ठीक है जो भी दादा पोता का नाता है ठीक निभाओ, भक्ति पर आप भी करो, अपने नातियों को भी लाओ, इस सारे सत्संग का कहने का ये दास का उद्देश्य है। तो क्या बताते हैं कि पतझड़ आवत देख के यो बन रो व मन माही, वो ऊंच टणी पात थे आज पीले हो जाही, पात झड़न ताजों कहे सुन भई तरुवर राय, अब के बिछुड़े नहीं मिले न जाने कहां गिरेंगे जाए, तरुवर कहता पात से सुनो पात एक बात, यहाँ की यह रीति है एक आवत एक जात। ओए होए दादा मर गया पोता हो गया, पहले वाले पत्ते पीले होकर गिर गए नए फूट आए, कहते यहाँ की एक रस्म है ये रिवाज है, यहाँ की यही रीति है, एक मरे दूसरा पैदा हो गया, वो मरेगा फिर और पैदा हो गया, यानी यहाँ जन्म और मरण का ये दीर्घ रोग आपका सदा बना रहेगा जब तक सत भक्ति परम पिता परमात्मा परम अक्षर ब्रह्म सत पुरुष की नहीं करोगे। तो क्या कहते हैं कि पात झड़नता यूं कहे सुन भाई तरवर राय, कि हे तरवर राज अब मेरी बात सुन ले, आपसे बिछुड़ कर जा रहे हैं ना जाने कहां गिरेंगे, गंदी नाली में पड़ेंगे या किसी पैर पशु के पैर के नीचे कुछ ले जाएंगे। जैसे कोई व्यक्ति रोगी होता है उसको पता चल जाता है कि दीर्घ रोग है और मौत निकट है निश्चित है, तो फिर उसको याद आता है कि भगवान अब कहाँ जाऊंगा मैं, और वो चिंतित हो जाता है, तो कुल के लोग इकट्ठे होते हैं उसको सांत्वना देते हैं कि भाई देखो मरना तो सब नहीं है, आज नहीं तो कल, या कोई रहा सदा, हिम्मत कर जो भगवान को मंजूर है वही होने दे, चिंता मत कर, या तो सभी का यही रिवाज है एक मरे भाई सभी ने मरना है, तो इस प्रकार जैसे वो सांत्वना दे रहा है और मरने वाला ये कह रहा है कि ना जाने क्या होगा। तो पात झड़नता यूं कहे सुन भी तरवर राय, अब के बिछड़े ना मिले ना जाने कहां गिरेंगे जाए, तरवर कहता पात से सुनो पात एक बात, और यहां की यह रीति है एक आवे एक जात, और जहां ये रीति नहीं है, जहां जन्म मृत्यु नहीं है, जहां कोई रोग शोक नहीं है, उस लोक का हमें पता नहीं था, जिस कारण से हमने इस व्यवस्था को अंतिम मान लिया और हम सतगति सेट हो गए, निश्चिंत हो गए कि यह तो होता ही रहेगा। लेकिन जब होता है जब डर बहुत लगता है, रोग हो जाता है तब पता चलता है कि अब क्या बनेगा, मौत निकट आती है तब पता चलता है कि बात बिगड़ गई, धरा धरा सारा ही रह गया। तो सत्संग में आने से यूँ हमें पहले ही पता हो जाता है
कि यो तो बिजली गिरनीय थी, या तो गिरेगी तो गिरने दे, लेकिन उससे पहले हमने यहाँ का कुछ सामान तैयार कर लिया, हम अब खाली नहीं जावांगे, इसलिए हम निर्भय होकर शरीर छोड़कर अपने मालिक के चरणों में चले जाएंगे। जो भक्ति नहीं करते उनकी घीघी बन जाती है, लास्ट भाई क्या होगा, हे भगवान क्या होगा। तो अब क्या होगा, अब तो तेरी शात होगी, गदा बनेगा, हम बता दें क्या होगा। तो भक्ति करने से मरते समय भी डर नहीं लगेगा, सौ बार ये तो सखों बार छूट लिया है शरीर को, नई कहानी है या। और जिनकी भक्ति नहीं कर खींचे, कितना ज्ञान हो उसके पास, अंत समय उसका उसको संतोष नहीं हो सकता। भक्ति की शक्ति दिल न डांटेगी और सो आपताओं को दूर करेगी, इसलिए भगवान की आवश्यकता घनी है, उसको हम भूल गए। और जिन भगवानों की हम भक्ति करते थे वो हमें कोई राहत दे ही नहीं सकते थे, वो तो वर्क डन देते थे, किया कर्म ही दे सकते थे। और ये समर्थ परमात्मा कबीर भगवान हमारे बुरे संस्कारों को मेट कर उनके ऊपर कलम साइन कर देता है। कहते हैं भरम कर्म ब्रह्मांड के मैं पल मैं करूं ने से, जिन हमरी दुहाई दी सो करो हमारे पेश। धर्म राय दरबार में दही कबीर तलाक, मेरे भूले चुके हंस को तू पकड़िए मत कजाक। ऐसा समर्थ परमात्मा यहाँ के 21 ब्रह्मांड के चीफ जस्टिस को पर जाकर ये कह दे कि खबरदार तूने मेरे भक्त को पकड़ा है, उसका अकाउंट भी नहीं करेगा। बोले पुरुष कबीर से वो धर्म राज कर जोड़े, तेरे भगत ने पकड़ो नहीं मन दो ही लाख करोड़। आज आपको समर्थ की शरण मिल गई है, इसको बनाकर रखना। पुण्यात्माओं, हम ऊपरले मन से कहते रहते हैं कि भी मौत सबने मरना है, एक दिन सबने मरना है। जैसे किसी को समझाने की चेष्टा की जाती है कि भाई भक्ति कर ले, एक दिन संसार छोड़कर जाएगा, तेरे साथ कुछ नहीं चलेगा। तो वो क्या कहता है, तो सबने पता एक दिन मरना तो है, देखी जाएगी। लेकिन जब वो मरने का दिन निश्चित होगा ना, तब पता चलेगा क्यों कर्म रहा करे। अब तो उसे फॉर्मेलिटी से हाँ भी मरना था ही। और इसका यह किया कि बड़ी बात है, तो मौत तो होनी है सबकी। परमात्मा कहते हैं मौत बिसारी बावड़े तन चाला कर दिया कोने, यो तन मट्टी में मिलेगा भाई जो आटे में लोने। मौत भूल गया बावड़े, अचरज किया कौन, और यो तन मट्टी में मिल जाएगा जो आटे में लोने। कहते हो छत्रपति की राख पे अब गद्दा लोट लगावे, आए है वो सारी पृथ्वी का राजा छत्र ऊपर चला करते हो राजाओं के। कहते हो छत्रपति की माटी पे राख पे उसका अंतिम संस्कार करने के बाद कहते गद्दा लोटा उसके ऊपर, वो अंडी पा के अंडे था, और स्वयं गदे की वो नीमा गया होगा, अपने भाइयों बैठा होगा गद्दा में। फिर वो तो कहने का भाव ये है, परमात्मा हमें याद दिलाते हैं कि इस लोक का यू कोई अच्छी चीज नहीं है, ये काम तो यहाँ करना चाहिए था, उसको आप भूल चुके हो। अब क्या बताना चाहते हैं परमात्मा, कि मौत भूल गया बावड़े तन चाला कर दिया कौन। जब आपको मौत की सही याद आवेगी कि भैया तो बात बिगड़ेगी, और जिसके लिए मैं सारा जीवन लगाता हूँ, दो नंबर के काम करके, रिश्वतखोरी करके, चोरी करके, मिलावट करके पैसा इकट्ठा करता हूँ, किस लिए, अपने परिवार को सुखी बनाने के लिए, या तक भारी भूल लग गई आपके, ये तो परिवार को विष खिला रहे हो आप। आपने विष देने की जरूरत नहीं पड़ेगी अपने परिवार को, जो ऐसे कर्म करके अपने बच्चों की परवरिश करते हैं, एक दिन ईसा कैर टूटेगा, समझ में नहीं आओगे आपके। आप भी मृत्यु को प्राप्त होगे और जिनके लिए जोड़ रहे हैं वो भी नहीं रहेंगे। ये तो शुभ कर्म करने से परिवार भी सुखी रहता है और आपका धर्म कर्म भी बिगड़न से बच जाता है।
इसलिए सत्संग में आने से ये ज्ञान होता है, सत्संग में अवश्य आना चाहिए। अब आज किसी को ये पता लग गया कि आपके कैंसर है और उसके घर में से ब्याह हो छोरे का, लड़के का, और उसको कोई नो कहे आजा डांस कर ले, नो कहे तू जा मेरा अपना काम कर, हो रहा डांस मेरी तो शैतान नौरी है, अब करके दिखाओ डांस, बजाओ डीजे, सुनो गाने, तो पुण्यात्मा संत पहले ही सतर्क होते हैं, इसलिए वो बकवाद अच्छी नहीं लगती उन्हें, अपना भजन करते हैं, कोई बाढ़ में कुआं कुआं पड़ो पड़ते रहो, बजाएं जाओ डीजे, अपना जाना भी वैसे तो वहां से टलो, और जाना भी पड़ जाए तो अपना फॉर्मेलिटी करके कोण में बैठ जाए अपनी माला लेके, और वो करते रहें जो तुमने करना फंड। तो पुण्यात्मा आम संसार तो यूं कहेगा भाई तू ऐसा के मायूसा रहता है, तेरा के बिजली गिर गई, ऐसा के नुकसान हो रहा है, तू नाश्ता गाता कोई ना, तो उसके लिए माथा नहीं मारे, घड़ा नहीं बोल रहा है, कहते हैं साकट और सवान को उल्ट जवाब नहीं दे, उसने न कह दिया भाई मेरी कोई ना रुचि, मेरी इच्छा नहीं बनती, बात खत्म हुई। समाज कहता रहेगा, जब उनके साथ बनेगी जब पता लगेगा, उनके साथ तो दुर्घटना होगी जब डरेंगे, हम पहले डर जाते हैं, जो समझदार वही होता जो पहले डरे, ये कोई चोरी करने चला है और उसने कोई समझाओ बेटा अच्छी बात नहीं, चोरी करेगा पकड़ा जाएगा, पुलिस पीटेगी, तेरा काला मुंह करेंगे, जेल में डाला जाएगा, और वो नौको देखी जाएगी, और कोई बुद्धिमान है वो डर गया उन बातों से, वो डर गया तो उसकी उसको बच गया बीमार उस दुख से, अन्यों को देखी जाएगी, जो नहीं डरा तो उसके लिए तो बना ही बनेगी, तो हम समझा दिए भगवान ने तो हम डर गए, ये काम नहीं करेंगे, और जो जो नहीं डरते चोरी करने गए तो पकड़े भी जाएंगे एक दिन, फिर सारे वो काम होंगे जो पहले बताए गए थे, उसका जूते भी लगेंगे, काला मुंह भी करेंगे और जेल में भी डाला जाएगा। एक संत थे, वो प्रसिद्ध संत थे, और उनके बारे में ये कहा जाता था कि वो जो बता देते हैं वो सारी सत्य होती है। तो एक साहूकार सेठ व्यक्ति था, वो भी उस संत के आश्रम में जाने लगा। पैसे वाले व्यक्ति जो होते हैं, वैसे प्रेरणा तो परमात्मा की सभी आत्माओं को है कि भक्ति वो करे बिना रह नहीं सकती, लेकिन निर्धन और दुखी वो सच्चे दिल तो भक्ति करता है, और पैसे वाले जो हैं ये थोड़े से फॉर्मेलिटी के नहीं किया करें, परमात्मा आत्मा तो उनको धक्कारती है, वो जाते हैं और कोशिश भी करते हैं भक्ति करने की, लेकिन माया का जो विष उनके अंदर है वो सेट होने नहीं देता, उनमें कुछ ना कुछ बकवाद भरी रहती है। तो एक सेठ जाता था महात्मा के पास, जाने लगे एक दो दिन देखा उसने, और महात्मा के पास क्या था कि दूध के पतीले भरे और फलों की टोकरी भरी, सेब संतरे अंगूरों की न्यारी न्यारी जो श्रद्धालु जाते थे वो चढ़ाते थे, और संत जी थे पतले दुबले से। तो सेठ कहने लगा कि महाराज जी आप बड़े चिंतित से रहते हो, कुछ खाते पीते नहीं, क्या बात है, सब कुछ आपके पास ठाठ है, दूध भी है, फल भी है, मिठाई भी रखी है। तो संत कहने लगा भाई मुझे चिंता है, जबरदस्त चिंता है। साधु संतों को भी क्या चिंता होती है महाराज जी, आप तो फकड़ फकीर हो, सेठ बोले। परमात्मा संत जी बोले भाई मुझे घनी चिंता है। किस चीज की चिंता है महाराज जी? कि भाई मेरी मौत आवेगी, मनवा मौत दिखाई दे से। अब लाला जी ने सोचा कि तो बाबा जी आज काल में मरता होगा, अग जी कब की मौत साहब की, कि भाई 40 साल रह रहे हैं, 40 साल के बाद मरूंगा, बताओ तो रोग जो हो ये तो सब नहीं मरना है, या भी कोई बात हुई है, महात्मा होकर आप कैसी बातें करते। अब संत जी के बोले उस मूर्ख थे, अक भाई ठीक है, मन मुझे तो मेरे हृदय तो वह बात उतरती है कोई ना, मन तो 40 दिन बाद से मेरी मौत आज दिखाई दे से। अब लाला जी तो रोज आवे, हर रोज इन्हें होगा खा लो महाराज जी खा लो, ओ ये तो सबने मरना है। अब उस संत जी का सेवक था राजा उसी नगरी का, उस संत ने कहा कि ऐसे एक सेठ है
उसको सजा सुना दे फांसी की, और दिन दर्द एक महीने का, और जहां उसको बंद करे उसको, उसके पास फल फ्रूट दूध सारा कुछ होना चाहिए। अच्छा जी, राजन वेदे से पाई पकड़ ले लाला जी को और सजा सुना दी, भाई तने कत्ल कराया है एक आदमी का और तेरी सजाए मौत है, एक महीने के बाद तने फांसी देंगे। बंद कर दिया कमरे में और रोजाना 2-5 किलो दूध और फल फ्रूटों की टोकरी नहरी नहरी भरते उसके द्वारा दर देख के किलो 2-2 किलो। अब 15-20 दिन के बाद वो बाबा जी गए, संत जी गए उस जेल में ऐसे घूमन फिरन खातर। उस कोठड़ी में लाला जी ने देखा कि महाराज जी प्रणाम प्रणाम। महाराज जी को पता ही था, वो जो उनकी करीब ही खेल था सारा, वो तो बाटे देखे थे कहां से बोल लेगा लाला जी। उन्होंने देखा, कौन है भाई तू? अग जी पछाने नहीं है कि ना भाई मेरा तो नहीं आया दान में कि मैं हूं फलाना फलाना सेठ है। ओ लाला जी वहां आया करता आपके पास, बोला तू इतना कमजोर कैसे हो गया? महाराज जी मेरी फांसी की सजा सुना दी, यार 14 ने टूटूंगा 14 ने। अच्छा अभी तो काफी दिन है भाई, क्यों चिंता कर रहा है? और तुम फल फल ना खाता कितने देर, तू तो बहुत कमजोर हो गया, या कति मुंह की तरफ ही ना करे जंदे, 14 दिखे 14 से। मन तो मौत दिखे मौत ना खाई देते। तो सेठ ने कहा, संत ने कहा, लाला जी जिस प्रकार तने आज 14 दिखे ना, अभी तो 10 दिन पड़े हैं 14 के, चौथे हुई है, तो मैंने वो 40 दिन न्यू दिखे हैं बेटा, थारी अकल गाम जा रही है और मेरी दुरुस्त है, मैंने वो 40 दिन दिखे, इसलिए मैं अपनी भक्ति करता हूँ, बकवादों से डर के रहता हूँ, बच के रहता हूँ, एक दिन संसार छोड़ कर जाना है। अब खा ले ना तुझे सेब संतरे और पी दूध छक्के। ने बोला जी गलती बन गई बेटा, न्यू दिखा करे मौत, वह तो औपचारिकता करो से तुम, एक दिन सब ने मरना है फिर मर जाने, सब ने मरना है, ये मैंने बचा दो मारू। न्यू पता था कि बाबा जी इस संत के मित्र हैं खास राजा, हे महाराज मेरी जान बचा दो, आपकी सदा भक्ति करूँगा, भक्ति करेगा तो अपने लिए करेगा, मेरे पहचान के करेगा, पर तेरी छुट्टी करवा देता हूँ। राजा से कहा, बुलाओ भाई राजा को। राजा से कहा, राजा छोड़ दे तो बहुत भला भगत आदमी है, आपने गलत फहमी में इसकी सजा कर दी, भाई बरी कर दिया जा भाग जा। तो पुण्यात्मा नो दिखा करे मौत, इन बकवादा से बात नहीं बनेगी, सब ने मरना है, जब मरण का टाइम आओगे जो पता चला करे, या किसी चीज से मौत, तो संत साधु भक्त इसको पहले याद रखे और अपने बुरे कर्मा तो बच्चे, कुछ दिन का टाइम अपना सुत्री त्रिया पास करे, आप भी जीवे और ने भी जीण दे, पाप के भागी नहीं बना करते, भक्ति करे बहुचलत रहे, सतगुर शरण आई रे। अगम निगम को खोज ले और बुद्धि विवेक विचार, उदय अस्त का राज मिले है तो बिन नाम बिगारे। अब एक एक शब्द इस परमात्मा के सुख संवेद का, हालांकि दर्द आत्मा ने जब होश में होते, अब क्या कहा कि अगम निगम को खोज ले, अगम माने आगे की, निगम माने व्यवस्था, आगे तेरे साथ के बनेगी, आगे भी इसके बाद कुछ वस्तु है कुछ चीज है, इतना ही काम नहीं है जितना इस जीवन में आपने मान रखा है, और थोड़ा सा बुद्धि विवेक विचार, उदय अस्त का राज मिले तो बिन नाम बिगाड़े। बिगार की परिभाषा बता दूं क्योंकि नए बच्चों को ना पता होगा, पहले बिगार होती थी बेमतलब डड़े ढोना, घर तक पैसे अपने जेब तक खर्चा हो और प्रयोग कोई और करे उसने। प्रारंभ में ये 3-व्हीलर चले थे बड़े वाले, और हमारे गांव से एक दूसरे मेन बस स्टैंड तक
वो दो चालिया करते, उनमें से एक एक दिन नहीं आया तो दूसरे ने पूछा, भाई कल क्यों ना आया, क्या बात थी? उसने बताया, कल मैं बिगार में फंस गया। बिगार क्या होती थी कि पहले पुलिस वालों के पास ये व्हीकल नहीं होते थे थानों में, ये यूं ही किसी किराए वाले को पकड़ लेते थे जो सवारी ढोया करते, फ्री ऑफ में ले जाया करते। वो तेल भी अपने पल्ले तो डलया करता सारे दिन का, और चौन नहीं मिलनी नहीं, और पहिया टिक्के नहीं, सारे दिन इधर चल उधर चल। तो वो कह रहा था कि 200 रुपये का तो पेट्रोल लग गया मेरा, उस समय पेट्रोल की होती थी, और उस समय का 200 का आज का 20,000 का समझ ले, यानी शाम ने पकड़ लिया था, अगली सुबह 4 बजे छोड़ा रात ने, सारी रात सारा दिन और अगले शाम ने छोड़ा मेरे को, और 200 रुपये का अपनी जेब से तो पेट्रोल लग गया, पल्लत खाना खाया, और इतना सफर सारा दिन चलता रहा। तो चलता दिखा था जब तक नो दिखे दूसरे ने कोई, तो खूब कमाई करता होगा, इसका पहिया नहीं टेक रहा, और वो ढो रहा था बेगार, पैसे भी करते खर्च कर रहा था, पेट्रोल भी आप डलवा था, और टायर भी घिसाव था, और शाम ने खाली घर आ गया, कुछ पैसा मिला, इसको कहते हैं बेगार। तो यहां बताया कि उदय अस्त का राज मिला, उदय अस्त माने जहां से सूर्य उदय होता है और जहां छपता, यानी पूरी पृथ्वी का भी तुम्हें राज मिल जाए, और यदि आप भक्ति नहीं कर रहे हो तो आप बेगार कर रहे हो बेगार। और हमने राजा ऐसा लगा कि तर्जमा करती लूट लूट रहा होगा, नहीं, हमारी बुद्धि ये उल्टी फिट कर रखी थी काल दे, हमने बुद्धि ये उल्टी फिट हो रही थी हमारी, हमें ज्ञान ही नहीं था। अब राजा पिछले जन्म का पुनकर्मी प्राणी ही बनता है, और पिछले जन्मों की बैटरी चार्ज थी, पुनः संग्रहित थे उसके, अब चार्जर है नहीं, तो इन्वर्टर की बैटरी जब तक चार्ज है पहले की, तो वो इन्वर्टर पर लाओ से मत लाओ, यानी नहीं लग रही है तो भी चलेगी, और इन्वर्टर लग रहा है तो गेल चार्ज होती रहती है, इन्वर्टर पर नहीं लगी है या इन्वर्टर ऐसे पॉइंट में लग रहा है जिसमें बिजली नहीं है तो वो भी व्यर्थ है। तो जो संत अधूरे हैं, जो कम संत नहीं हैं, जिनके पास अधिकार नहीं है नाम देने का, उनसे कोई नाम भी ले रहा है तो वो सोच रहा है मैं चार्जर लगा रहा हूँ, तो वो चार्जर ऐसे पॉइंट में लगा रहा है जिसमें लाइट है ही नहीं, और जिन्होंने लगा ही नहीं रखा, बैटरी उनकी पहले की चार्जड है, और उनकी बैटरी सारे काम कर रही है जब तक वह डिस्चार्ज नहीं होगी उसकी अक्षमता जितने समय की। तो इसी प्रकार ये राजा और उच्च अधिकारी जितने भी बने हैं, पैसे वाले सेठ बने हैं, ये पहले जन्म के अपनी बैटरी चार्ज किए हुए हैं, अब इनके पास चार्जर नहीं है। अगर चार्जर है इस विश्व में तो सतलोक आश्रम बरवाला जिला हिसार में है, ना कि तो चार्जर नहीं है। और इसके अतिरिक्त तो भक्ति नहीं करते, और अच्छे आज भी सुखी दिखाई देते हैं, मंत्री प्रधानमंत्री बन रहे हैं, मुख्यमंत्री बने हुए हैं, बड़े बड़े ISIPS बने हुए हैं, जज बने हुए हैं, सेठ बने हुए हैं। तो ये पिछले जन्म की बैटरी चार्ज करके उसको प्रयोग कर रहे हैं, और जिस दिन यह बैटरी डिस्चार्ज होगी, आगे चार्जर इनके पास है नहीं तो साफ दिखाई देता है, जो यहाँ नहीं आए हैं उनके पास चार्जर नहीं है, तो उनके साथ क्या बनेगी? अब जैसे राजा दिखाई देता आपको, बड़ी चहल पहल, हर बड़ी जय जयकार हो रही है, बड़े अधिकारी और सेना उसके हुक्म में चल रही है, और खूब ठाठ बाट हैं, खूब में खाओ कुछ पियो, कैसे मस्ती से रहो, गुटी सूटी लगाओ, तो उसकी खूब तूती बोल रही है। अब जब जैसे वो 4-3 व्हीलर वाला खूब चलता दिखा था ना, खुखार ठा रहा था, इधर चल उधर चल, तो आम व्यक्ति तनो सोचेगा आज तो यू घड़िया कमाई करके सामना होगा, और वो अपने पल्ले पैसे ला रहा था तेल के भी और खाने के भी, तो वो बेगार कर रहा था, और औरों की दृष्टि में था जैसे घड़ी कमाई कर रहा, बहुत बड़ा इसका आज अच्छा कोई दाव लग गया, बड़े सफर में जा रहा। तो इसी प्रकार वो राजा, हमने तनो दिखा है किसकी बड़े ठाठ है, पर वो तो बेगार ढोंड लाग रहा है, बेगार अपने पल्ले तो अपने पुनों का नाश कर रहा है, और अगले
जब इसकी मृत्यु होगी, जब पता चलेगा अगले जन्म में गधे की योनि होगा। तो यहां परमात्मा याद दिलाते हैं, अगम निगम को खोजले बुद्धि विवेक विचारे, उदय अस्त का राज न लहे तो बिन नाम बिगारे। अब देखो राज भी करो, मान ले कोई ऐसा संस्कार है तो राज भगवान का दास बन क्या करे, और ये भगवान के बच्चे जनता उसके बाप के हैं, ये राजा के, उन्हें तंग करे, उनसे लूटे खसोटे खुद ठाठ करे, वो तो पाप का भागी होता है। जो अच्छे धार्मिक राजा होते थे वो जनता को दुखी नहीं करते थे। हमें बहुत से इतिहास मिलते हैं, उदाहरण मिलते हैं, जैसे रामचंद्र जी अयोध्या के राजा थे, और वो किसी के साथ कोई घटना घट जाती थी उसकी नगरी में, कोई उसके उनके पास कोई ऐसा मुकदमा आ जाता था तो किसी पर विश्वास नहीं, वो स्वयं करते थे, वो स्वयं जांच करते थे, अपने खुफिया विभाग को भेजते थे, फिर आप भी जाते थे गुप्त रूप में, और वो डरते थे इस बात से कि कोई हमसे ऐसी घटना ना हो जाए, कोई किसी को नाजायज दुख ना दिया जाए, भगवान रूस जाएगा। तो इस प्रकार राज्य करे वो ठीक राजा हो चाहे रंग, फिर तो भगवान से डरने वाला व्यक्ति मार नहीं खाता, अपनी मजदूरी ड्यूटी समझ कर अपना काम करे, लेकिन एज ए अपने आप को मालिक मानकर नहीं रहे, नहीं तो गढ़ा दुखी हो जाएगा। आज तो ठाठ मान रहे, कल गधा बनेगा, कुत्ता बनेगा, गली में बैठेगा, सिर में कीड़े पड़ेंगे, वो जितने किए कर्म उसने भोगने पड़ेंगे, और भगवान से डरने वाला व्यक्ति गलती नहीं करा करे, उसको साफ दिखाई देगा, सभी कर्म दिखाई देते हैं। तो इस सत्संग के माध्यम से जनता को दास ये बताना चाहता है कि जो तुम कर रहे हो ये भोगना भी पड़ेगा, तुमने उस दरगाह का मैल नहीं देखा, और धर्मराज के तिल तिल का लिखा। चिट्टी पायल बाजे पैर साहेब सुनता है सब लेर, नो ना सोचो भगवान, आप सोचते हो ना वो भी भगवान को सुनाई देता, बोलना तो दूर की बात। यदि चीटी यानी कीड़ी के पैर की पायल बना दी जा, और यदि उसका भी आवाज हो, नॉइस हो, परमात्मा उसको भी सुनेगा। कहने का भाव ये है, चीटी की पायल क्या बनेगी, उसकी आवाज क्या होगी, यानी इतना भी वो इतनी आवाज को भी मालिक सुनता है, उससे कोई चीज छुपी नहीं है। बिन उपदेश अचंब है ये क्यों जीवत हैं प्राण, भक्ति बिना कठोर है ये नर ना ही पाषाण। क्या कहते हैं कि बिना भक्ति बिना उपदेश के, यानी गुरु जी से नाम लिए बिना, ये क्यों जी रहे हैं प्राणी, और भक्ति बिना कठोर है वो नर ना ही पाषाण। भक्ति बिना कहाँ ठिकाना है इस जीव का, तो वो व्यक्ति आदमी नहीं है जो भक्ति नहीं करते, दीक्षा नहीं ले रखी गुरु से, पूर्ण गुरु से, वो तो पत्थर है, पत्थर इंसान नहीं है, जिनमें इतना विवेक नहीं कि संसार छोड़कर जाना होगा। और ये जिसको तू जोड़ रहा है, बैंक भरन लग रहा है, विदेशों में बैंक पैसे जमा कराने लग रहे है, जैसा सुनने मारे शर्म मारोगे, कल न मृत्यु आ जाएगी, वो बैंक में धरे धराए रह जाएंगे, बरतेगा कोई और गधा बनेगा स्वयं वो मंत्री और मुख्यमंत्री। तो क्या बताते हैं, बिन उपदेश अचंब है ये क्यों जीवत है प्राण, और भक्ति बिना कठोर है ये नर ना ही पाषाण। पृथ्वीपति चकवे गए जिनके चक्र चलनते, ये रावण सरीखे कौन गुण भाई ऐसे गए अनंत। नाम बिना सुना नगर यो पड़ा सकल में सोरे, लूट न लूटी भक्ति की भाई हो गया हंसा बोरे। अब क्या बताते हैं कि नाम बिना ये शरीर तेरा कति सुना है, और पड़ा सकल में सोर युकागा रोला हो रहा कुछ ना लगे हाथ, और लूट ना लूटी बंदगी हो गया हंसा भोर। अब इस मोह माया की नींद में आप सोए पड़े हो,
और ये सुबेरा जब होगा, जब आपकी मृत्यु होगी। मृत्यु होने के बाद जैसे स्वप्न में आप सब कुछ, जैसे स्वप्न में गरीब आदमी था कति निर्धन, और उसके सपने में जैसे कोई रिक्शा चालक था और वो कार देखता है, तो सोचा कार होती तो मैं भी न्यू चलाता न्यू करके। अब सपने में वो सो रहा था झोंपड़ी में पड़ा, और सपना आ गया कार का, बढ़िया कार है बड़ी कोठी में, और कार चला रहा हूं, कोठी मेरी बनी हुई है। अब सपने में कार में बैठे और कार फुल स्पीड पर चल रही है, ब्रेक लाने लग गया, ब्रेक लाने लग गया पैर से, बस रजाई थी फटी पुरानी सी, उसका आर पार पैर लिकट गया। उसकी फिर आँख खुली, जाग उठी, गाड़ी की तो बैठता नहीं गई, रजाई से इतना बार पैर था उसका। तो कहते हैं ये जो संसार है, आप ऐसा ऐसी स्थिति में हो अब, और जब उसका वो नींद उठी, नींद छुट्टी, जब पता लगा कौन सी कार थी, किसी कोठी थी, तो उसी झोपड़ी में लेट रहे हूँ। तो इस प्रकार जब आप संसार छोड़ कर जाओगे, आप तो सब कुछ अपना मान रहे हो, या कार मेरी, या कोठी मेरी, बेटा मेरा, बेटी मेरी, हुँ? और इतने प्लॉट मेरे। और जब ये शरीर छूट जाएगा ना, जब यम के दूत पकड़ेंगे बाजू आकर दोनों तरफ से बाम रोड लेंगे नू अनु के चाल भगत जी, और तब वो सोचेगा नू, जैसे सपने में उठ कर सोचा कर, वो बेटा किसका था, बेटी कौन थी मेरी, वो कोठी कौन था, कहाँ था, रखे था, अब कुछ ना था, वो जो करना था वो कराया नहीं, अब करके क्यों पछतावे, और वो है पेड़ बबूल का आम कहाँ से खावे। संसय सोग सराए में ये सूतक दिन राती, जीवत जड़ जग में जूते पड़े फिर जम तोड़े छाती। अब कहते हैं जो भक्ति नहीं करते, और कुछ हमारे समाज में एक धारणा फैल रही है कि बाद में बूढ़े होकर बच्चा तो फारिग होकर इनकी ब्याह शादी करके फिर भक्ति करेंगे। भक्ति की हमने एक तो आवश्यकता का पता नहीं, फिर उसकी विधि और समय का पता नहीं। आम समाज में ये धारणा फैल रही है कि कोई बच्चे छोटे छोटे बेटा या बेटी नाम लेते हैं तो दूसरे 10 आकर नो कहेंगे ले बता, अब इनका कोई नाम लेने का भक्तिकरण का समय है, अभी तो इनकी खेलन खान की समय है। तो ये तो है लोक वेद, और जो परमात्मा का ज्ञान है उसके अनुसार 3 वर्ष के बच्चे को भी नाम दिया जा सकता है। प्रथम अंतर हम देते हैं तो 3 वर्ष से लेकर, और फिर वो किसी भी एज का हो उसको उसी समय भक्ति प्रारंभ कर देनी चाहिए। अब बुढ़ापे में तो अगर शुरू करेगा, देखो दिक्कत तो है नहीं, बुढ़ापे में भी भक्ति करेगा उसका सारा तो खूब मिल रहा ही मिल रहेगा, लेकिन जो पहले से कर रहा होगा तो उसका बुढ़ापा वृद्धावस्था भी गणी अच्छी तरह निभाएगी, परमात्मा सौ व्यवस्था कर देगा। तो कहने का भाव ये है कि जो भक्ति नहीं करते उनकी यहां विरान मिट्टी होगी। देखो ऐसे बहुत से हमने देखे हैं, कोई अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं। एक भक्त कह रहा था कि मेरा रिश्तेदार रिलेटिव था और वो आईजी से रिटायर हुआ, रिटायर होने के 3 महीने बाद उसको पैरालिसिस हो गया, 1 साल भुगत के और मृत्यु को प्राप्त हुआ। अब उसको बताया गया कि ये तो इस जीवन में मिला उसको, ये तो एक थोड़ी सी उसको ट्रेलर था, दुख तो आगे होगा। कहते हैं संसा सोग सराए में ये सूतक दिन राती, जीवत जग में जूते पड़े फिर जम तोड़े छाती। जो भक्ति नहीं करते और इस और व्यवस्था में अपना जीवन नष्ट कर जाते हैं तो उनको ज्ञान नहीं होता। उन बच्चों को ज्ञान हो तो वह भी गलती क्यों करें, भक्ति भी करें, चलो ठीक है जैसी भी पद पोस्ट है वो भी निभावा अपनी, लेकिन भगवान के दास बनकर रहना पड़ेगा अगर आप पापों से बचना चाहते हो। जिसने थोड़ा सा भी मैं करा उसकी दुर्गति हुई है। मैं करे सो मारिए
और तू तो करे सो छूट बे, इस मार में होशियार बंदे गधा बन के ऊंट बे, हो करे सो गद्दा होई मैं करे सो बोक बे, बंदा बिसारे बंदगी तो स्वान है सब लोक बे, कि मैं कर उसकी पिटाई होगी, मैं नू कर तू नहीं, तो ही हे बाल मालिक तू ही करने वाला है, तू ही दाता है, आप ही कर रहे हो। तो कहते उसका बचाव होगा, मैं कर सो मारिए और तू कर सो छूट बे, इस मार में होशियार बंदे गधा बने के ऊंट बे, हूँ करो हो कृष्ण देखा, हूँ कर सो गद्दा होई और मैं करे सो बोक बे, बंदा बिसारे बंदगी तो स्वान है सब लोक बे। तो परमात्मा में सतर्क करते हैं, ऐसे जीना सीखो, इन पापों से बचोगे, आपकी भक्ति भी सफल होगी। ये संशय सोग सराय में और सूतक दिन रहती है। अब देखो ये सूक्ष्म वेद है, अब इस वाणी को चाहे संस्कृत में लिख लो और चाहे इसने इंग्लिश में लिख लो, भाषा का काम तो केवल उन विचारों को समझने का, इसमें लिखा क्या है, ये चाहे सिंपल लैंग्वेज में है और अच्छा है, इसमें क्या बताया कि संसार शोक सराय में, इस शरीर में आपके संशय किसने देखा है के होगा, और फिर ना जाने कितनी समस्याएं हैं, ये करना है वो करना है, भक्ति कैसे करेंगे, 36 प्रकार की समस्याएं हैं, तो समस्या भी भक्ति से ठीक होंगी। एक दरोगा जी SHO अपनी घोड़ी पर सवार होकर, पुराने समय की बात है, और किसी दूसरे शहर में गांव में जा रहा था किसी काम बस, उसमें किसान रेट चला रहा था, बैलों से चलता है हर हट, उसमें कोल्लू सा होता है और उसके ऊपर एक चैन बनाई जाती है, उसके बाल्टियां फिट करके कुएं से पानी निकालती है, भर भर के आती है, बाहर नाली में डलती है, खेतों में सिंचाई होती थी पहले पुराने समय, और बैलों से चलाया जाता था, और वो लंबी एक पाट हुआ करती लंबी लकड़ सा, उसको उस कोल्लू से फंसा कर बैलों के पीछे जुए में डाल बांधा जाता था, तो वो चलता था, जब उसमें कुछ तो उन पतियों का शोर जो बाल्टी बना रखी थी, कुछ उस घूमने से उस लोहे के उस पाट कर कोल्लू का जो है ना शोर, वो चू चर्र यूं करते चलिया करते। अब रेट चला रहा था किसान, पानी बाहर आ रहा था, SHO दरोगा जी को भी प्यास लग रही थी और घोड़ी प्यासी थी, दरोगा जी ने सोचा यहाँ पानी पिलाते हैं। जब वो निकट लेकर आया तो वह घोड़ी उस शोर से डर कर दूर भागी, बिदकी चू 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 चू। SHO ने कहा कि किसान ये शोर बंद कर, ये चू चू बंद कर, उसने बैल रोक दिए, वह चू चू बंद होगी, पानी भी बंद हो गया, वो पानी जो आगे गया था वो खेतों में पी लिया, थोड़ा बहुत पड़ा, तो उसने कहा फिर घोड़ी निकट ला के वो कहने लग गया कि पानी निकाल, उसने फिर वो बैल स्टार्ट कर दिए, वो फिर चर्र चू हुई, घोड़ी फिर बाजगी, एक किला जाकर डटी। अब उसने कहा दरोगा न रे चू चू बंद कर, उन्हें फिर बैल रोक दिए, अगले कर दी चू चू बंद, वो निकट आए इतना पानी पाया ना, पानी निकाल, पानी तो चू चू तो निकले, वो फिर चला हुआ फिर भागी। किसान बोला पीना हो तो पी लो, इस चू चू में पीना पड़ेगा ना, दोनों मरोगे इस चू चू में पी लो, पीना होता है क्योंकि पानी भी सब निकलेगा। तो पुण्यात्माओं ये हमारे न्यू ये करना है वो करना है, भक्ति फिर कब करेंगे, ये है ये तो चलेगे, इस चू चू में ही ये पीना है तो पी लो, नहीं तो जीवन नाश हो जाएगा। लूट सको तो लूट लो, ये राम नाम की लूटी, पीछे फिर पछताओगे भाई, प्राण जहांगे छूटे, नहीं भरोसा देही का ये विनस जावे चन माही, श्वास उश्वास में नाम जप भाई और यतन कछु नाही, श्वास उश्वास में नाम जपो
व्यर्थ श्वास मत खो, ना जाने इस श्वास को हो आवरण हो कि न हो। जिव्या तो वाहे भली भाई जो रटे हरि नाम, नहीं तो काट के फेंक दियो ये मुख में बलो न चाम। अब देखो पुण्यात्मा मनुष्य जीवन की कितना महत्व बताया भगवान ने। और ये जीवा तो कहते हैं, वैसे तो जीवा का बहुत गणा योगदान है हमारे शरीर में बॉडी में, लेकिन इसका विशेष काम है भगवान की चर्चा करना, अच्छे शब्द बोलना, परमात्मा के गुणगान करने के लिए जीवा दी है। जीवा तो गधे का भी है, जीवा तो कुत्ते के भी है, जीवा पशु पक्षी यानी बैल के भी है, भैंस के भी है, लेकिन वो बोल तो नहीं सकते। तो इस जीवा का आपके लिए विशेष इसलिए बताया परमात्मा उपयोग इसका कि भगवान की भक्ति करें। कहते नहीं तो आप क्या करते हो कि इस जीवा का दुरुपयोग करते हो, किसी को कुशब्द बोल देते हो, और तगड़ा व्यक्ति है, बलवान व्यक्ति है, और एक निर्बल व्यक्ति को कोई ऐसी घटिया बात कह देता है, अब वो ना तो लड़ सकता उसके साथ, ना उसका कोई मुकाबला कर सकता, तो वो बैठ कर रोया करे। तो कहते हैं आपने उसका जख्म कर दिया इस जीव रूपी तलवार से, या किसी की आप झूठी गवाही देते हो, 100 झूठ बोलते हो, अपने पेट भरने के लिए अटपट करते हो, तो इस जीव का आप दुरुपयोग कर रहे हो। इसका सदुपयोग है भगवान की भक्ति करे और सब तो मृदु बोले, मीठा बोले, प्यार से रहे, किसी की आत्मा ना दुख है, क्योंकि जब आपको डर होगा तभी आप में ये गुण आवेंगे। और डर होगा ज्ञान ते, जैसे बालक है, अनजान बच्चा है, बिजली के तार ने पकड़ लिए, जिसमें बिजली होती है, स्पार्किंग कर रहा होता है, और जब वो छाना होगा तो उसे डर बन गया कि ना ये तो खतरनाक चीज है, तो उसे अवश्य डरेगा, निकट भी नहीं जाएगा। तो इसी प्रकार इस ज्ञान से आप इतने छाने हो जाओगे, फिर ये गलती नहीं करोगे। जैसे कोई जहर रखा किसी बोतल में, और बालक तो पी जाओ मुँह ला के, उसको पता नहीं, और आपको पता लग गया कि इसमें विष है, तो निकट भी ना जाओ, औरों ने भी कहोगे ना हाथ ना लगाओ, इसको दूर रख दो उठा के। तो उसके लिए जब ज्ञान हो जाएगा तब आप कैसे महसूस करोगे, जैसे किरका जहर का रंग होरी हो, कहो कौन तिस खावे राम रंग होरी हो। आज तो आंख मीच के अंधे हो गया समाज, लूट लो, रिश्वत ले लो, फलाना कर लो, जोड़ दो बैंक, कहते जहर खा रहे हो, विष खा रहे हो आप। और जब तुम्हें पता चलेगा कि ये विष है, जैसे किरका जहर का रंग होरी हो, और कहो कौन तस खावे राम रंग होरी हो। एक जहर का कण पड़ा हो, अपना पता है मेज पर जहर का कण है, कहते कौन हाथ लावे, और तुम खाओ किलो किलो, यो तो एक कण खतरनाक है। तो उस समय आपको एक नया पैसा भी वो विष का कण दिखाई देगा, किसी से लेना, बिना ज्ञान का लदते जा रहे हो दूसरों के पाप सर पर धर के, और लदते जाओगे यहां से मालगाड़ी भर के पापों की, असंख्य जन्मों में भी पूरे ना होंगे ये भोग के, कहते गधे बनोगे, किसी की भैंस बनोगे, किसी का बैल बनोगे, और ना चलोगे तो लठ खाओगे। अपुन आत्मा गरीबदास महाराज जी परमात्मा से परिचित हुए, गांव छुड़ानी जिला जज्जर हरियाणा वाले, और उसके बाद उन्होंने ये उपदेश देना शुरू किया। एक बेरी गांव है रोहतक जिले में, और उस बेरी गांव का एक हरलाल नाम का किसान था, जाट था, और वो पहले जैसे ट्रांसपोर्ट करते ना आजकल तो गाड़ियां होगी सम्माल इधर से उधर दूसरी मंडियों में ले जाने के लिए ट्रक हो गए, पहले उससे पहले तो केवल बैलों पर जाया करती थी, वो तो बहुत पुराने समय की 600 वर्ष पहले की बातें हैं, क्यों रास्ते नहीं थे, जंगल गने थे, गाड़ी नहीं जा सकती थी, तो बैलों के ऊपर गधों की तरह बोरी लाद कर ये बिजनेसमैन व्यापार करा करते, उनको बंजारे कहा करते थे। उसके बाद फिर थोड़े थोड़े ठीक से हुए तो गाड़ी बैल गाड़ियों से एक दूसरे अपना सामान लाया करते, दूसरी मंडियों से दूसरी में बेचते थे, ऐसे अपना गुजारा किया करते थे। उस अरलाल जाट के यानी किसान के घर पर
एक बाबा जी रहता था संत, और वो उसने जानकर रखा हुआ था, क्योंकि धार्मिक आत्मा के अंदर उसकी भगवान की इच्छा कदेत बनी हुई है, और उसको ये भी मालूम है इन संतों ने इतना ज्ञान दे रखा था कि संतों की सेवा करनी चाहिए। अब भक्ति का तो पता नहीं था, फिर उन्होंने सोची भाई भक्ति तो हमसे बन नहीं पाती, संतों की सेवा तो करते। तो उनके ऊपर एक चौबारा था घर पे मकान पे, तो उसने उसके विचार की सुने संत के, तो हरलाल जी ने संत जी से कहा जी आपने रोटी चाहिए और भगत कर भजन करना है अपने, तो हम आपका आपकी सेवा करेंगे, आपके लिए अलग कमरा दे देंगे, आप भक्ति करना। वो कहने लगा ठीक है भाई, मन तो भक्ति करनी है। अब उसको बढ़िया भोजन दें, बढ़िया उसका आहार कपड़े धोएं, खूब सेवा करें। अब भक्ति किसी के पास है ही नहीं, वो तो मनमाना आचरण है। अब वो खावे बाबा जी सो जा, भक्ति थी नहीं उसके पास, क्योंकि वो भक्ति तो भगवान ने बता के जाते हैं, वो मानते नहीं। तो 5-7 वर्ष के बाद वो बाबा जी मर गया। अब उसकी मृत्यु होगी तो उसके 5-4 वर्ष के बाद हरलाल जी इस नजबगढ़ की मंडी से सामान लेकर और छुड़ानी के साथ से आकर अपने गांव में आया करते। ऐसे रास्ता था छुड़ानी गांव से होता हुआ, नजबगढ़ की मंडी से सामान ले आया करते बैलगाड़ी में। उनके उसके घर में एक बैल था जिसका कलर गोरा था और एक था सफेद कलर का, और वो जो गोरे कलर का बैल था उसमें एक ऐसी आदत थी, वो 10-5 मिनट आधा घंटा चलता था फिर बैठ जाता था, फिर उसने लठ लूठ मार के वो खड़ा करता था और फिर चलाता था। तो एक दिन गरीब दास जी अपने गांव में बाहर कुएं पर सुबह सुबह स्नान करने गए हुए थे, उधर से हरलाल जी आ रहे थे गाड़ी लेकर। उसने सोची और वो बैल बैठ गया, उड़े वहां आते हुए बैल बैठ गया। अब उसने उतर कर उसका मारे लठ हरलाल ने, क्यों छोड़ा क्यों कर खड़ा हो काम कर। तो गरीबदास जी कहने लगे भाई मारे ना इसके, देखो गऊ का जाया है मारे मत, डट गया। ने बोला मारू क्यों ना भाई, इसने अच्छा खुआऊं प्याऊं और यू बकवाद कर रहा चलता नहीं। बोला डट गया मैं बताऊंगा, कुकर चल लगा। गरीबदास जी उसके कान में कुछ बोलिया, वो खड़ा हो गया एकदम। अन्य बोला गरीबदास जी बोले ले जाई बिना बैठा ही। अब वो घर तक आ गया, कति ठाट से ना बैठा और उस दूसरे से भी आगे चल रहे। अब उसने घर आकर बताई सारी कहानी कि एक आदमी था और उसने पता नहीं इसके कान में क्या बोल दिया, अरे यू तो डटा नहीं डटता। उसका लगन लगी मैं पूछू उस आदमी से, क्योंकि गरीबदास जी तो सिंपल वेशभूषा में रहा करते, जैसे सिंपल में हरियाणा के रहा करते धोती कुर्ते में, और बाकी हम संतु न मानत जी नाडम्बर कर रखा, लाल कपड़े पर रखे जटा जूटा बड़ा रखे चमटा ले रखा और धुने वो बैठा ढोंग करके, ये संत के लक्षण नहीं। कहते कंठी माला सुमरनी पहरी ते क्या हो, ऊपर डूंडा साध कर अंतर रखा खो, अंदर से भक्ति बनाओ कपड़े कैसे पहनो। तो उसने सोचा भाई अब पूछूं किसते, उसने आइडिया सा लाया कि उसी समय चालू जिस समय वो सुबह सुबह आया करे। तो उस समय वो पहुंच गया हरलाल, उधर से गरीबदास जी स्नान करने आते थे गर्मियों का समय था। तो गरीबदास बोले भाई हरलाल यूं पूछन आया होगा वो बैल क्यों ना बैठता, आप तो जानी जान हो, यूं ही पूछन आया हो मैं, एक सुन ले तेरे घर पे एक बाबा जी रहा करता। कहाँ जी, तने खूब सेवा करी कहाँ जी, तो यू बाबा जी है इस डैड ने नकम्मे ने भक्ति तक करी को ना खाव थर सो जाया था, भक्ति इसके पास नहीं। अब मैंने इस तई इसको ये बता दी कि तू पूरे कर, तने करने पड़ेंगे लठ खा के कर ले, चाहे राजी खुशी कर ले, तय भी डटा ना डटा भाई समझ में आएगी इसके। अब वो हंस था परमात्मा का, पिछले संस्कारी होते हैं भक्ति पर जो लगे हुए हैं,
जैसे ये पीक टाइम है, प्राइम टाइम है भक्ति का। अब जो पार होंगे लाखों करोड़ों अरबों की संख्या में तो पार करेगा भगवान, और फिर भी कोई नालायक नीच रह भी जागा तो फिर उन्हें ओबिरन मैटी करवाओगा, आत्मा तो मालिक की है वह। तो ये जो अब साधु संत बने हुए हैं बेचारे, जो भक्ति कर रहे हैं, जिनमें प्रेरणा है, ये पिछले पिछड़े हुए हैं भगवान के। अब उन वो किसी जुन्नी में है, उनकी आत्मा तो दुख भगवान ने की पावे है, बच्चे तो उसी के हैं ये। तो अब वो पिछले संस्कारी था, अब मालिक ने वहां भी उसको राहत दिलवाई। अब उसमें धार्मिकता थी उस हरलाल में। हरलाल ने कहा महाराज जी मैं तो आपके साथ रहूंगा छोड़ छाट के करने। गरीबदास जी बोले भाई मैं कौन सा जंगल में बैठा हूं, मैं भी घर, मेरा भी घर से किसान हूं, खेती करता हूं और सारे काम करता हूं, भक्ति भी करता हूं, तेरे को भक्ति बता दूंगा तू भक्ति करे। तो क्या कहते हैं, खेती बाहो गाड़ी बाहो, खेती करो गाड़ी बाहो खुशहाल, और साई सिर पर राखिए सही भगत हर लाल। गाड़ी बाहो खुश रहो और खेती करो खुशहाल, साई सिर पर राखिए सही भगत हरी लाल। कि अपना जो काम है ये करता रहे और खेती करे और ठाट से रहे, मंत्र दूंगा अपनी भक्ति करे और सही भगत बन गया तो और क्या। यहां मैं कौन सा जंगल में बैठा हूं, मैं भी तो घर बसा रहे हूं, आप भी भक्ति करो। डेरे डंडे खुश रहो, ये खुश रह लेना मोक्ष, और दुरुपर लाद भी पा रहे होगे फिर गृहस्थी में क्या दोष, दुराचार बुरा है। तो कहने का भाव है परमात्मा ने उसको वहां भी राह दिवा दी। अब उस धरपाल ने सोचा भाई तो बाबा जी है और गलत मंत्र के मार भी गणे दिए, उसी दिन से उसको अलग बांध दिया घर में, अलग से बढ़िया खुआवे प्यावे और उसने नवावे गाड़ी में जोड़ना बंद कर दिया। अब परमात्मा ने वह भी राह दिवा दी उस नालायक को कर्म ठोक को, लेकिन अगले जन्म में फिर के बनेगा सूर बनेगा। तो परमात्मा कहते हैं मैं तुम्हें रो रहा हूं और तुम मुझे खोज रहे हो, और जब मैं आता हूं तो मुझे ठुकरा देते हो। मैं रोवत हूं सृष्टि को, ये सृष्टि रोवे मोहे, गरीब दास इस योग को हो समझ न सकता कोई। परमात्मा गरीब दास जी को बता रहे हैं कि मैं इनको रोता फिरता हूं और ये मुझे खोज रहे हैं। मैं इनको कह रहा हूं कि आई एम गॉड, मैं वो परमात्मा हूं, तुम्हें यहां भी सुख दूंगा और तुम्हें मोक्ष भी दूंगा, तुम्हारी रक्षा करूंगा, तुम्हारे बच्चों की रक्षा करूंगा, तुम्हें आवश्यक वस्तु मैं दूंगा जो तुम्हें जरूरत होगी, बकवास मांगोगे तो कतई नहीं दूंगा। और तुम मुझे खोज रहे हो, मैं तुम्हें खोज रहा हूं कि मैं हूं वो भगवान, और हमारे इस वियोग को कौन मिला जो हमें मिला दे। तो दास भेजा है आपके और भगवान के बीच में मीडिएटर बना के, अब मिलाऊंगा आपको। एक किसान था, ये पिछले हंस हैं भगवान के जिनके लिए भटक रहे हैं परमात्मा। गोता मारूं स्वर्ग में और जा बैठूं पाताल, गरीब दास ढूंढता फिरूं अपने हीरे मोती लाल। एक किसान था, उसके पास परमात्मा गए, उसके घर उनको समझाना चाहा। अच्छा धार्मिक व्यक्ति था, नर्म आत्मा का था। कहने लगा महाराज जी देखो अभी तो छोटे छोटे बालक हैं, इनको पालूंगा हैं, और जब ये काम करने योग्य हो जाएंगे ना फिर मैं नाम लूंगा आपका, अभी मैं नहीं ले सकता। परमात्मा से ले गए, कुछ दिन के बाद फिर गए, भाई भक्ति कर ले, भक्ति तो आप भी कर सकते हो कि ना बाबा जी, बालक एक बार सयाने हो जा या अपने धंधा करने लग जा फिर मैं फ्री हो जाऊं। अच्छा भाई, अब वो बच्चे बड़े हो गए, उनका ब्याह भी हो गया, तो उनके बच्चे भी हो गए, तब फिर गया परमात्मा भाई भगत जी अब कर ले भक्ति, तो बालक तेरे आप काम संभाल रहे हैं। कहने लगा बाबा जी देखो छोटे छोटे पोता पोती है, इन मैं रखूंगा संभालूंगा, बच्चे खेत में काम करते, अभी थोड़ा सा और इन थोड़े से सयाने हो लेते। बहुत समझा परमात्मा ने, पर हमारी बुद्धि तो गाम जारी है नहीं हमारे पास,
अब तीसरी बार जो परमात्मा गए वो भगत जी की टिकट कट गई उम्र के और बैल बन रहा, बैल बन के वो वहीं पैदा हो रहा उड़ के पुत्रा के घर में, और वो खेत में जोड़ रहे उसने जोत रहे खेत में हल में। घर आकर पूछा वे कहाँ गया भगत, कहने लगे जी उसकी तो मृत्यु हो गई आपके भगत की। परमात्मा को तो पता था खेत में गए, खेत में बाबा जी ने वो परमात्मा संत रूप में थे, वो लड़का जाने था जो हल चला रहा था उसने हल रोक दिया और कहने गया वो महाराज कहा गया भाई तेरे पिताजी कहाँ है। वो तो भाई वो तो जी 4-5 वर्ष हो गए शरीर छोड़ गए। अच्छा वो फिर गए उस बैल के पास, उसके कान में कोई बात कही, कहा भगत जी देख कितना दुख मोल ले लिया तने, और मैं कितना समझाया करता भाई भक्ति कर ले हैं, और अब भी तो ये पोते पड़े हैं तेरे, अब कौन पालेगा इसने, अब भी मान जा मेरी बात, तेरा जीवन छुटवा दूंगा इस पशु का और तुझे मनुष्य जीवन दे दूंगा, तू भक्ति कर लिए। नो बोला बाबा जी डट जा, देख ये दूसरा बैल कम चल रहा है और मैं खींच रहा हूँ इसने, बालका का नहीं कर देगा यो। बोला अच्छा भाई कमा ले तू यो। अब उसकी मृत्यु के बाद वो सांप बन गया, बैल की मृत्यु के बाद। अब सांप बनने के बाद इस जीव को याद आता है मैंने वहां घर में धन दबाया था, दबाया था सोना चांदी के सिक्के, तो फिर ये खोजन आया करे सांप बनकर उस घर में, क्यों इसने जन्म ना तोड़ा है, कोई कुत्ता बनकर जन्म गया, क्योंकि आशा तो वहीं है इसकी कि तो बैल बनकर जन्म गया वहीं पर, जहां सा था बादशाह हुई मन कर वचन सुमरियो सोई। अब सांप बनकर और वो फिर आया धन खोजन खातिर किसान के अपने घर में घूमन ला गया शहर से पट्टी करे। अब वो देख लिया उनकी पुत्र वधुओ ने शोर मचाया, पुत्रा ना कर उसका मारे लठ, वो भागता भागता 2-4 लठ लाग गया और मोरी में कहीं निकल गया, वो जडो मजा के झाड़ में बड़क के और पड़ा पड़ा तड़फे। परमात्मा बोले चौधरी साहब क्या हाल है। उन्होंने देखे ने बोले महाराज जी मेरी जान बचा दो, अर तो बुंडा काम है। ने बोले बेटा समझ मत आई पर साकड़ी तुड़वा का आई, हड्डी टूटली जब असरा समझ में आई तेरे, तो हमारी साकड़ी टूट लेंगी जब माने हम, लेकिन पहले मान ले तो बहुत अच्छा हो। कहते दुख में सुमरण सब करें, सुख में करे ना कोई, और जय सुख में सुमरण करें दुख कहे को होवे। सुख में सुमरण किया नहीं फिर दुख में करते याद, कहे कबीरता दास की फिर कौन सुने फरियाद। तो पुण्यात्मा परमात्मा तो कहते हैं यदि सुख में भी दुख में सुमरण कर ले, जो सुख में सुमरण कर ले तो दुख है ना हो उनको, और ये इसी दयालु परमात्मा है, हम दुख में भी सच्ची भक्ति से कर कर इन तो याद कराएंगे, फिर भी हमारी अर्ज सुनते हैं क्योंकि ये हमारे पिता हैं। मर्द गर्द में मिल गए वो रावण से रणधीर, कंस के सी चाणोर से वो हिरणा कुश बलवीर, तेरी क्या बुनियाद है तू जीव जन्म धर लेत, गरीब दास हरि नाम बिना तेरा खाली रह जा खेत। अब किसान को पता है तो एक सीजन पे उसका खेत खाली रह जाए उसके साथ क्या बनती है, वो कंगाल हो जाता है, एक एक दाने का मोहताज हो जाता है। तो ये मनुष्य रूपी जो खेत आपको मिला है और इसमें बीज ठीक बोया नहीं तो ये जीवन आपका खाली खेत के तुल होगा, आपको कुछ हासिल नहीं होगी। और फिर क्या बताते हैं, कबीर हरि के नाम बिना ये राजा रसब हो, मट्टी लदे कुम्हार के फिर घास ना नीरे कोई। कहते हैं ये राजा आज आपको कितने अच्छे लगते हैं, कितने समर्थ लगते हैं, बड़े ठाठ हैं, भक्ति ना करने वाले एक हरि के नाम बिना यू राजा भी गधा बने,
और मट्टी लदेगी कुमार के, और कोई चारा भी नहीं डाले, अगर कुमारों तक एक लठ मारेगा जंगल में बेच देगा, और वो चरका होगा फिर कान पकड़ लिया होगा, या दुर्गति होगी इस प्राणी की। अपने आत्माओं ये बातें कौन बता रहा है? कोई डूम भाट के गीत नहीं, खुद गॉड की उनसे प्रचुर नॉलेज है। अब ये शंका भी मिट जाएगी आपकी कि किसने देखा है, किसने देखा है, तो देख भगवान ने देखा, भगवान सर्वज्ञ है, सबका दर्शक है, और वो बता रहा है, तो इस बात में कच्चापन नहीं पाओगे। तो ये शंका भी आपकी खत्म हो जानी चाहिए कि किसने देखा है, क्या ऐसा बनेगा, ऐसा बनेगा क्योंकि भगवान ने कह रखा है, और उसका बचाव बता रहे हैं कि भक्ति करोगे तो ऐसा नहीं होगा। बस थोड़ी सी बात है, समझने वाले को थोड़ा सा हेले कहते ज्ञान कर गाम का तो चमका ऐसा होया करे, बुद्धिमान के एक शब्द लग जाया करे। कहते एक का चोट से धारिया जिन मिलन दाचा, जिनको भगवान चाहिए वो थोड़ी बात में सतर्क हो जाता है। तो ये परमात्मा बता रहा है, ये हमारा ना जच्चे वो अलग बात है, हमने भांग पी रखी है, या उतरेगी जब पता चलेगा। बुद्धिमानों की जल्दी उतर जाएगी क्योंकि सत्संग माने वालों के दिया भांग उतरेगी, क्योंकि यह एंटीबायोटिक दिए जाते हैं सत्संग रूपी ज्ञान के। और जो यहाँ आता ही नहीं इस हॉस्पिटल में, उसका तो भांग फुल है, वो तो मरने के बाद उतरेगी फिर, वह जब गधे की योनि में लटका रहा होगा, फिर देर बहुत हो चुकी होगी, कुत्ता बनकर गली में बैठा होगा, देखते हो रात्रि में कुत्ता कभी कभी उसकी आत्मा रोती है, स्वाभाविक है, वो ऐसे करता है। तो परमात्मा कहते हैं के बने भाई, अच्छे दिन पाछे गए, गुरु से किया ना हेत, अपस्तावा क्यों करे तो चिड़िया चुगी खेत। तो परमात्मा आपके ऊपर मेहर किए हुए हैं कि आपको पहले ही सतर्क कर रहे हैं कि यह गलती मत करो और बचो इस बीमारी और बुराई से, आगे कैर टूटेगा जीव के ऊपर। अभी तो आपने मनुष्य जीवन की अपनी मलाई है, इसको खाओ चाहे खराब करो, आपके पुण्य है, ये तो आपको पूरे मिलेंगे। आगे चार्जर नहीं होता, बैटरी एक कब डाउन होगी और फिर ना जाने के कैर टूटने शुरू हो जाएंगे आपके परिवारों पर जो भक्ति नहीं करते, और भक्ति करते हैं तो नकली संतों की और डुप्लीकेट मंत्रों की। शास्त्र विधि त्याग कर जो साधना करते हैं उनकी भी यही हालत होगी, यही दशा होगी। और वास्तव में पूरे विश्व में ये बार बार कहना अनिवार्य हो गया दास का कि इस स्थान संत रामपाल के इस दास के अतिरिक्त पृथ्वी पर यह नाम नहीं है जिससे आपको कोई सहारा मिल सके। कबीर हरि के नाम बिना ये नार कूतिया हो, गली गली भोकत फिर टूक न डाले कोई। हम ऐसे समाज में रहा करते थे, पहले तो राम नाम को विशेष महत्व देते नहीं थे, और कहीं सत्संग समागम कहीं होता तो वो कभी जाते ना जाने देते थे, और मनुष्य अगर चला जाता तो बहन बेटियों को तो भूल कर भी नहीं जाने देते थे, क्योंकि हमारी इज्जत है या इज्जत का नाश हो जाएगा। अब जैसे पहले ठाकुर लोग हुआ करते या राजा लोग होते थे, वो अपनी बहू बेटियों को पर्दों में रखा करते थे, वो तो पक्के काल के दूत थे, उन आत्माओं का छींट भी नहीं लगने दिया करते कि तक राम नाम की चर्चा सुन ले, घर से बाहर नहीं निकलने दिया करते। तो उसके विषय में क्या बताते हैं कि वो पुण्यकर्मी प्राणी जो आत्मा किसी राजा के घर जन्मी, राजा के ब्याही गई, रानी की पदवी पाई थी तो पिछले संस्पुन कर्म पिछले ही तप से होते हैं पूर्ण हंस मुराद, ये पिछले ही कर्मों से पिछली बैटरी चार्ज से वो मिल गई, रानी बन गई, रानी बन गई, उसके पुण्य थे खूब काजू किसमस के खीर और हलवे खावे और सेब संतरे खावे, जूठे छोड़े और जूठों के उसकी बांधी नौकर खावे। लेकिन आगे चार्जर लग्या नहीं तो अगले जन्म में वह पर्दे में रहने वाली लड़की, वह इज्जत घर की कहाँ है, अगले जन्म में कुतिया बनकर नी वस्त्र घूम रही है पूछड़ ठाई, अब कहाँ गई वो इज्जत, नाश कर दिया उसके जीवन का इन काल के दूतों ने बगैर ज्ञान के, अब बचा दे उसकी इज्जत कहाँ हो, और वो मन गदा बन रहा होगा जो इज्जत का रखवाला था।
तो पुण्यात्मा या भूल पड़ रही है, ये काल ने जकड़ रखा अपने समाज को, मानव समाज को, मानव समाज, मानव मनुष्य जिनना मुश्किल, मनुष्य जीवन मिलना मुश्किल, और उसके बाद ये इतना जकड़ देता है इसके कि भक्ति के कर लेगा। लेकिन वो सूरवीर होते हैं जो इसकी बेड़ियों को तोड़ के और सत्संग में आते हैं और अपनी बहन बेटियों को भी साथ लाते हैं। मात पिता सुत स्त्री और आलस बंधु कान, संत मिलन को जब चले ये अटकावे आने, इनका अटकाया अटके नहीं और संत मिलन को जाए, कहे कबीर सो संत है आवा गवन नसाए। का परमात्मा बता रहे हैं कि मात पिता छोटे बच्चों को केदित मात पिता बाधक जिनको ज्ञान नहीं, और किसी का पुत्र अब बड़ी उम्र के हो गए बच्चों के अधीन हो जाते बुजुर्ग, किसी का साकेट बेटा है तो बुढ़ा बुजुर्ग का समझ माई तो वो नहीं आन दे, क्यों धक्के खान जाए, उड़ के मरेगा के लेगा वहां जा करके, क्या रखा है वहां पर। किसी की स्त्री अग्यू बाबा बनेगा, बड़कन छोड़कर बात जाएगा, आता यू डर हो जाता है इनके, तो यहां तो बाबा नहीं बनाए जाते, यहां तो भगत बनाए जाते। और किसी का साकेट पति जो बहन चाहती है मैं भक्ति करूं, साकेट लठ लेकर बैठ जाएगा ना जाने दू। और परमात्मा कहते हैं मात पिता सुत स्त्री और आलस, या फिर आलस में नहीं आओगे फिर देखोगे सत्संग में फिर चलाएंगे, फिर क्या पता कल मृत्यु हो जाए, फिर तो फिर है भाई, काल करे सो आज करे, आज करे सो अब, और पल में परले हो जाएगी, फिर करोगे कब। और फिर लोकलाज बंधु कान, बंधु कान माने लोकलाज, क्योंकि एक घर में या उस आसपास के कई घरों में मोहल्ले में एक दो तो भगत बने, उसने 36 जने नौके नाड़े हो जाएंगे, वाह भाई वाह तेने ये भी छोड़ पूजना छोड़ दिया, तूने ये भी नहीं बनाता तो त्योहार भी नहीं मनाता। तो जो उस लोकलाज में आके मार्ग विचलित हो गए फिर पशु बनेंगे। तो यहाँ कहते हैं और सत्संग में नहीं आए तो भी गलत हो जाएगा। तो मात पिता सुत स्त्री आलस बंधु कान और संत मिलन को जब चला ये अटकावे आने, ये बाधा बनेंगे, और इनका अटकाया डटे नहीं और संत मिलन को जा, कह कबीर सो संत है आवागमन नशा। अब जैसे मीराबाई थी सूरवीर थी और ठाकुर के घर में जन्म हुआ और तोड़ दी सारी बेड़ी, आज मीराबाई का जुबान हर इंसान के जुबान पर नाम है उस बहन बेटी का, और जब तक सूरज चांद रहेगा उसका नाम रहेगा, और जो इज्जत आड़ी थी वो गदी बड़ी बैठी होंगी जो सत्संग और भक्ति नहीं करके गई, चाट ले उस इज्जत ने, इज्जत भी जब ही बनाएगी जब हम भक्ति करेंगे, परमात्मा साथ रहेगा। आप भी आवे अपने बच्चा ने साथ लावे, किसी कोई न्यू कहे कि तो आपके बच्चे जाते हैं तो न्यू कहे मैं भी जाता हूँ भाई, बच्चे बच्चे नहीं जाते, तो आप पर मुंह बंद हो जाए उस इंसान का। तो इसलिए अब क्या बताते हैं साधों से ती मस्करी ये चोरों नाल खुशाले, मल अखाड़ा जीतेंगे ये युगन युगन के माले। अब पहलवान जो होते हैं ना माल बोले जिसने रेसलर, तो वो पहले एक्सरसाइज करते हैं, जिस दिन उनका मुकाबला होने से कई महीने पहले वो खूब अत्यारी करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, अभ्यास करते हैं, और जब आमना सामना होगा दो पहलवानों का तो वही जीतेंगे जो पहले एक्सरसाइज कर रहे हैं, और सीधा को खड़ा हो जाएगा तो जाते थोड़े दे ही हुए कैसे टिकेगा वहां पर। तो कहने का भाव ये है कि जो भक्ति पर लग रहे हैं और सत भक्ति, अब क्या हो रहा है जैसे नकली संतों के फंस गए, फंस रहे हैं, तो वो क्या कहते हैं, निंदा करते हैं इस सत भक्ति की, और उन चोरों जो ज्ञान नहीं कति भी भक्ति के चोर हैं जो सत भक्ति नहीं कर रहे वो लोग, और तो उन ऊपर तक कहते हैं कति पूर्ण समर्पित हुए बैठे हैं, और संत के साथ मस्करी करते हैं वो अकेले रहे, वो तो देवी देवते छुड़वाता है, वो तो माता भी ना दोकने देता तो हरना भी नाटे है। कहते हैं साधों से ती मस्करी उन चोरा नाल खुशहाल,
और ये मल अखाड़ा जीतेंगे युगन युगन के माल। तो यहाँ जो आ रहे हैं वो पिछले जन्म जन्मांतर के पहलवान है, भगवान की भक्ति एक्सरसाइज अभ्यास करते आ रहे हैं और वही तोड़ के आगे बढ़ रहे हैं, और आप ही जीतोगे इस मल अखाड़े को जो आज भक्ति सत भक्ति कर रहे हैं और यहाँ आ रहे हैं। मीराबाई थी माल, धरु और प्रहलाद थे माल, और भी अनेक भक्त हुए हैं जिन्होंने समाज से संघर्ष करके और वही ऊपर ने उठा जिसने लोक लाज छोड़ दी। अब इसके विषय परमात्मा कहते हैं, कुल करने के कारण यू हंसा गया बेगो, और तब ये कुल के कर लेगा जब तू चार पाया का हो। आज तो इस लोक लाज अपने भाईचारे के चक्कर में तू भक्ति नहीं करेगा, सत्संग माना बंद कर देगा, कल को तू गदा बन के घूम रहा होगा, जब तने ये तेरा भाईचारा तेरा लोक लाज तने के रक्षा करेगी आपकी, तब यू कुल के कर लेगा जब तू चार पाया का हो। तो ये बातें याद रखना, भगवान साथी रहना चाहिए तो ये सारा संसार रुष जा, भगवान प्रसन्न रहेगा तो वो संसार भी एक दिन आपका होगा, ये विश्वास रखना, प्यार से रहना, भक्ति करते रहना। बीबी पढ़ते रह थी वो डोडी लगती बारे, अब गात उगाड़े फिरती है वो बन कुतिया बाजार। वो पर्दे की सुंदरी सुनो संदेशा मोरे, अब गात उगाड़े फिरती है वो करे सरायों सोर। नक बेसर नक पे बनी वो पैर थी हार हमेल, अब सुंदरी से कुतिया बनी भाई सुन साहेब के खेले। वो बीबी पड़दा रहे थी और डोडी लगे थी बार, दो दो तीन तीन डोडी हुआ करती, वहां पहरेदार बैठे रहते थे, कोई बाहर का कोई गैर व्यक्ति अंदर ना चला जा, इतनी सुरक्षा किला बनाकर वह बेटियां बहनें पर्दों में रहा करती थी राजा की रानियां। कहते बीबी पड़दा रहे थी और डोडी लगे थी बार, गात उगाड़े फिरती है वो बनी कुतिया बाजार। वो पर्दे की सुंदरी अब सुनो संदेशा, और अपने पुन खत्म करके कहते हैं वो गात उगाड़े नी वस्त्र फिर रही है वो करे सरायों सोर। अब वह कुतिया बनकर राजा की रानी जो पहले काजू किसमस के हलवे खाया करती थी, खीर खाती थी, और भक्ति ना करने से वो अपनी बैटरी डाउन डिस्चार्ज करके उन पनों का नाश करके आगे चार्जर लगा नहीं तो आज क्या खा रही है। सराय मन धर्मशालाओं के आसपास वो कुत्ते इकट्ठे हो जाया करें, अतिथि आते थे तो उस पहले रोटी खाते थे और एक आधा टोक कुत्ते को डाल देते थे। अब वो रानी भक्ति ना करने से जो काजू किसमिस के हलवे खाने वाली एक भक्ति ना करने से एक ग्रास के लिए इंतजार कर रही है, कब यो खाने वाला मेरी तरफ फेंके, और धार्मिक व्यक्ति एक टोक फेंकेगा तो उसके साथ 10 ग्राम रेत भी गेल खाओगी। वह अर्जवांडी पाए करी थी, किसने देखा भगवान, ये देख ले भगवान, हमने देखा भगवान, हम बता रहे हैं कि आपके साथ ऐसे होगा, और सुधर जाओ। कहते नक बेसर नक पर बनी पैर थी हार हमेल, लाखों रुपए के गहने हार पहन कर राजी हुई अंडिया करती और उसी में खुशी मान रही थी। एक पुल्लो नाम की भक्तनी थी, पुल्लो राजस्थान में, और वो आसपास खूब प्रसिद्ध हो रही थी, राजा उसका शिष्य बन गया था, और वो जहां भी कोई कथा कीर्तन कराया करती राजा जाया करता था, और राजा घर पे आकर अपनी रानियों को भी कहा करता था कि भक्ति कराया करो, एक पुल्लो नाम की भक्तनी है वो बहुत अच्छी है, वो बड़ी बढ़िया शब्द सुनाती है। अब जो भक्तिहीन बहनें होती हैं उनके मन में ये गया कि राजा बार बार पुल्लो बहन का पुल्लो का की चर्चा करता, वो दिख मैंने लग गया, हमने लगे वो घनी सुंदर होगी, उनका तो या बीमारी हो सके गणित है। तो उनने सोची
एक पपुल्लो ने तो देख ला वो कैसी है। तो उस राजा से राजा ने कहा कि मैं पुल्लो का कीर्तन कराना चाहता हूं। तो रानिया ने भी सोचा कि उस पुल्लो नाम भी देख लेंगे किसी की सेवा पुल्लो। तो बुला ली वह पुल्लो अपने मैला कुचले से कपड़े नाना ना धोना हाथ में माला और आएगी है। वह बैठ गई जब सारी हंसे और वह श्रृंगार करके बैठी सारी रानी को हम दिखावांगे अपनी सुंदरता। टिक्की बंदी लाकर हार उर पैर कर सज दस कर बैठी सोने में पीली हुई। और जब पुल्लो आई ना वो हंसन लागी गया वो पुल्लो ओहो यहाँ बूढ़ी सी। तब वो पुल्लो कहती है कि गहना बाधा ये आभूषण गहना बाधा तन की शोभा और यू तन का चो बांडो और बिना भजन कुतिया बनोगी राम भजो न रांडो। उसने एक के दो यमुन का सारा जवाब दे दिया। तो कहते हैं नकबे सर नकबा बनी वह पैरे थी हार हमेल और सुंदरी से कुतिया बनी अब सुन साहिब के खेल। राम नाम निज सार है राम नाम निज मूले राम नाम सौदा करो भाई राम नाम ना भूले। यो सौदा फिर नाही संतो ये सौदा फिर नाही राम नाम निज सार है राम नाम निज मूल राम नाम सौदा करो राम नाम न भूले। अब जैसे कोई व्यक्ति 1-2 लाख रुपए लेकर सौदा करने जाता है व्यापार करने जाता है दूर देश में कमरे कोई धर्मशाला होटल में कमरा लेता है किराए पर। अब बुद्धिमान होता है ठीक है कमरा किराए पर ले रखा है उस मूल धन से और घनाई कमाई करता है सौदा करता है बेचता है सौदा करता बेचता धनी हो करके वो वापस लौटता है। और एक दूसरा है उस मूल धन को ले जाता है होटल में रह रहा है खावे पीवे गुटी लावे सो जावे ठाठ करे सिनेमा देखे तो कंगाल हो जाता है। जिस मूल धन को वो लेकर गया था उससे बढ़ाना था दुगने तुगने चौगुने करने थे तो साहूकार बनना था और उसी में से खर्च करके उसको कंगाल हो गया आगे सौदा करा नहीं तो फिर वो वापस आता है तो निर्धन हो जाता है। और जिससे पैसे ले रखे होते हैं वो फिर उसको मजदूर लगाता है कि मेरे पूरे कर जब छोटू। तो हम यहाँ काल के मजदूर हो गए उस सौदा ठीक ना करके। अब हमने सतभक्ति करनी पड़ेगी जब बात बनेगी। यो सौदा फिर ना ही रे संतो यो सौदा फिर ना ही कौन सा सौदा मनुष्य जीवन और ये मनुष्य जीवन सांस रूपी पूंजी मूलधन आपको मिला है इसको व्यर्थ खो रहे हो। श्वास उश्वास में नाम जपो व्यर्था सांस मत खो ना जाने इसी श्वास को आवरण हो कि न हो। सांस श्वास में नाम जपो अब क्या बताते हैं यो सौदा फिर ना ही रे संतो यो सौदा फिर ना ही ये मनुष्य जन्म नहीं मिलेगा। मनुष्य जन्म मिल गया तो संत नहीं मिलेंगे और भक्ति नहीं मिली तब कति बेड़ा गर्क हो जाएगा मनुष्य जीवन व्यर्थ हो जाएगा। तो मानुष जन्म और इस प्राइम टाइम में जहां सब कुछ ओपन करे है दाता ने धन्य आपके माता पिता पुण्यात्माओं जिनसे जन्म हुआ और धन्य आपकी किस्मत जो आपको यूं नाम मिला इन्हें संभाल कर रखिए। जो कोई बालकों का खेल नहीं है भगवान की आप कितनी प्यारी आत्मा हो आपको कहाँ से झंझट से निकाल कर ला रहा है और यहाँ के आसपास के लोगों का समझ में नहीं आ रही तो ये पता चलता है आप कौन हो। जैसे एक घर में एक ने नाम ले लिया और बाकी सुनते भी कोई ना या दोन ले लिया बाकी यहाँ का असर भी ना होता इन बातों का नुका चुप कर फालतू ना बोले शर्म दर्द कर दिया। अब जैसे कोयल जो होती है कोयल वो अपने अंडे अलग घोंसला बना कर उत्पन्न नहीं करती क्योंकि
अलग वो घोंसला बनाती है तो कौवी खा जाती है, कौवे खा जाते हैं उनके अंडों को। तो वो क्या चतुरता करती है कि जब मादा कौवा अंडे देती है वो ताक में रहती है, क्योंकि घोंसला बनाना ही पड़ता है इन सबको, तो देख लेती है कि घोंसला बना रही है, अंडे पैदा करेगी। और जिसको गर्भ होता है कोयल को, वो भी आसपास रहती है। जब कौवी अंडे पैदा करकर कहीं बाहर जाती है अपना आहार के लिए, तो पीछे से वो अपने अंडे उस कौवी के आलने में, वो घोंसले में उत्पन्न कर देती। अब कौवी आती है वो पहचान नहीं पाती मेरे कुंड से हर और किता है, तो उन सब को ही वो परवरिश कर देती है, उनमें बच्चे बना देती है। और वो कोयल ताक में रहती है कि जब ये बच्चे थोड़े से उड़न जोगे हो जाए, जब देख लेती है कि दूर तक उड़ारी भर लेते हैं, तो दूर वृक्ष पर बैठ कर और वह कुहू कुहू की आवाज लगाती है। जो कोयल के बच्चे होते हैं उनके तो असर होता है, वो ऐसे सतर्क होते हैं, और कौवे वाले ऐसे मस्त रहते हैं। तो जब वो देखते हैं कि हमारी ये आवाज कहाँ से आई, उस आवाज से के वश होकर खिंचकर उस आवाज की तरफ चल पड़ते हैं, कहाँ है वो हमारी माँ। और वो कोयल फिर उड़ कर चल पड़ती है कुहू कुहू करती हुई, और बच्चे भी उसके साथ साथ उड़ के चले जाते हैं। कौवी देखती है कि मेरे बच्चे गए, वो कुछ देर तो उनके साथ दौड़ती है, जब निकल जाती है कुछ देर तो साथ उड़ती है, फिर देखती है कि तो गए, कहीं मेरे पीछे वालों को कोई हानि ना हो जाए, उल्टी लौटकर उन अपनों के पास आ जाती है। अब कहने का भाव ये है कि इसी प्रकार इस परमात्मा की वाणी का असर उनका होगा जो कोयल के बच्चे हैं, जो भगवान के पिछले संस्कारी हैं, और बाकी कागाले हैं उनका ये असर हो को ना। तो आप वो कोयल के बच्चे हो, कहाँ कहाँ से आ रहे हो? उड़ीसा से, भाषा भी कोई ना हमारे वाली थे, कर्नाटक से, बंगाल से, और फिर इधर से यूपी से, महाराष्ट्र से। तो वहाँ अपने परमात्मा ने अपने कुहू कु की आवाज़ लगाई, कोई पुस्तक के माध्यम से, कोई सीडी या मेमोरी कार्ड के माध्यम से, या टीवी चैनल के माध्यम से। तो कोयल के बच्चे तो फटक जाते हैं तुरंत, तो कन्या होते और भाग्य आते हैं यहाँ पर, उनकी माँ तो बरवाड़ा बैठी है, बहाना पड़ेगा उनको यहाँ पर। तो यहाँ परमात्मा कहते हैं यो सौदा फिर नाही रे संतो, यो सौदा फिर नाही, ये सौदा फिर नाही रे संतो, यो सौदा फिर नाही, ये लोहे जैसा ताव जात है, लोहे जैसा ताव जात है, ये काया दे सराही रे संतो, यो सौदा फिर नहीं, यो दम टूटे पिंडा फूटे, वो लेखा दरगा माही, दुगने तिगने किए चौगने, किन्हो मूल गवाही, तीन लोक और भवन चतुर्दश, सब जग सौदे आही, दुगने तिगने किए चौगने, रे किन्हो मूल गवाही। अब क्या बताते हैं कि जैसे लोहार या कारीगर लोहे को गर्म करता है, जब वो गर्म लोहे को जिस उद्देश्य से गर्म किया है उसके लिए, उसके में से वो वस्तु बनाने के लिए उसको तुरंत निकाल के और धरकर ऐरन पर घन गदा गद मारा करे, थोड़ी चोट मारता है, और गर्म गर्म पर मार गया तो उसको पता है कि इसकी जो वस्तु मैं बनाना चाहता हूँ वह बन जाएगी। और जरा सा ठंडा हो गया वो लोहा, फिर तो सारे गण न कूट लो, उसका कोई असर होने वाला नहीं है। तो पुण्यात्माओं, ये मनुष्य जीवन आपका लोहे जैसा ताव है, इस गर्मा गर्म लोहे में चोट मार गए राम नाम की तो कुछ बना लोगे ना, तो फिर इसी ठंडा होने के बाद फिर तक गधे कुत्ते बंगे बोले बनोगे, ठंडे लोहे के बारे जाए थोड़े बांगा बोला हो सके, गर्म का मारोगे ओके चीज बनेगी। तो अब यो गर्म है लोहा आपका, इसमें राम नाम की चोट जितनी मारी जा मार लो, वह वस्तु मोक्ष रूप वस्तु आपकी खरी बन जाएगी। अब कहते हैं लोहे जैसा ताव जात है, ये काया देश राही, और तीन लोक और भवन चतुर्दश, ये सब जग सौदे आही।
तीन लोक में और इन सारे जितने भी इसी एक ब्रह्मांड में जितने स्थान हैं, स्वर्ग है, ऊपर के लोक है, नीचे के हैं, ये सभी प्राणी अपना सौदा कर रहे हैं। जिन्होंने यहाँ भक्ति की वो स्वर्ग में बैठकर वहाँ खा रहे हैं, और आप भक्ति नहीं कर रहे हो तो आपको तो कुछ भी ना मिल रहा है, आप तो यहाँ कति कहते हैं कह कबीर अंत की बारी, जैसे हाथ जाड़ कर चले जुआरी। जो भक्ति नहीं करते अंत समय में ऐसे पछताते जाओगे जैसे जुए में जुआरी हार कर और फिर हाथ में सड़ता जाया करे, नाश हो गया, नाश हो गया, नाश तत्न कराया हो गया कि तो ऐसे बनेगी बात या। कहते तीन लोक और भवन चतुर्दश सब जग सौदे आही, और दुगने तिगने करे चौगने, और किन हो मूल गवाही। जिनको सतमार्ग और यह बात समझ मांगी सतलोकाश्रम बरवाला जिला हिसार हरियाणा मांगे, उन वो तो अपने इस मूल धन के दुगने तिगने चौगने कर लेंगे, सेठ होकर जाएंगे सतलोक में। और जो भक्ति सत नहीं करते, कहते उनने तो अपना मूल मूल भी नाश कर दिया, वो मूल पूंजी लेकर आए थे मनुष्य जीवन की, वो भी बट्ठा बैठा दिया और 84 लाख योगियों में जाएंगे। कहते उस दरगाह में मार पड़ेगी तेरी, जम पकड़ेंगे वाही, वादन की मोह डरनी लागे, लज्जा रहे अकनाही, नर नारायण देहे पाके तू फेर 84 जाही, जा सतगुरु की मैं बलिहारी, जो जमुन मुरुण मिटाही। अब क्या बताते हैं कि जब तेरा शरीर छूटेगा, यो दम टूटे पेंडा फूटे हो लेखा दरगा माही, जा दिन की मोए डरनी लागे, लज्जा रे अकनाही, नर नारायण देहे पाक तू फेर 84 जाही, जा सतगुरु की मैं बलिहारी, जो जमुन मुरुण मिटाही। अब क्या कहते हैं कि जब यह शरीर छूटेगा धर्मराज के दरबार में, तेरा अकाउंट होगा, फिर वहां कहते हैं भक्ति नहीं कर रखी तो तेरी कोई इज्जत नहीं रहेगी, और भक्ति करे हुए प्राणी वहां जाएंगे। गलती से धर्मराज के दरबार में भी कबीर साहब का कोई भगत चला गया तो धर्मराज उसको बाई इज्जत कहेगा कि इसको वहां छोड़काओ, क्योंकि यहां जो त्रिकुटी स्थान है वहाँ एक सामूहिक स्थल है, वहाँ सभी का और वही परमात्मा का एक अपना निज मिनी ऑफिस है, और जहाँ पर जब अब आप जाओगे भक्ति युक्त प्राणी तो दास के रूप में परमात्मा आपको वहाँ विराजमान मिलेगा उस ऑफिस में। और फिर वो कहेगा धर्मराज के इसको बाइज्जत वहां छोड़ का उस फलाने ऑफिस में उनके दरबार में, फिर वहां से फिर आपको परमात्मा आपका अकाउंट करा के इस दास के रूप में सारा हिसाब किताब करा के, और फिर 11वां द्वार पार करके, फिर जैसे कल सत्संग में आपको बताया जा रहा था कि ओम तत्सत ये तीन मंत्र के जाप है उस परम पिता के पाने का, परम अक्षर ब्रह्म के पाने का, तो ओम नाम है ब्रह्म का, ये वहां त्रिकुटी पर अकाउंट दे देंगे कि लो जी आपके गीता जो है वेद है, ये विधान है भगवान का, ये संविधान है, इसमें धाराएं हैं, ये लिखी है, तो उस धारा में लिखा 18वें अध्याय के 66वें श्लोक में कि सर्वधर्मान परितज माम एकम शरणम व्रज, तो वहां परमात्मा जाएगा इस दास के रूप में एडवोकेट बन के किले भाई उनके ऑफिस में कि इसका हिसाब करो, और ये देखो निकालो संविधान, आपका संविधान है कि मेरे सत्र की जितनी पूजा है मेरे को दे दो, और मेरा क्लियर करो अकाउंट, निकालो कितना कर्जा है इसका, इतनी कमाई हो जाएगी आपकी इस मंत्र से, जो दास आपको विधि बता रहा है श्वास उश्वास से कि गिनती नहीं होगी आपसे। और वहां इतनी भक्ति मिलेगी आपकी सब इस ओम नाम की, एक एक नियम एक है कि मौखिक जाप कर ले 1000 बार करे, और मानसिक करे 1 बार, 1000 मौखिक जाप का पुण्य
यानी फल एक बार मानसिक जाप से होता है, और उस श्वास से जो करते हैं 1000 बार मानसिक कर ले और 1 बार श्वास से कर ले, देखो इतना लाभ है इस एक जो दास आपको विधि बताता है। और यह अधिकारी से लेकर कर जब फल देता है, इसके विषय में आदरणीय गरीबदास साहिब जी ने बताया है, जब इससे परिचित हुए कि एक सतनाम उश्वास का सांस उस मतलब सतनाम का जो जाप श्वास उश्वास से एक बार किया हुआ कितनी कीमत रखता है, कितनी वैल्यू है इसकी। सतनाम है 2 अक्षर का, ये बार बार नहीं बोलूंगा, लेकिन गरीबदास जी ने तो सीधा लिखा हुआ है, दोनों अक्षर लिखे हैं, आपको परसों ये दिखा भी दिए थे, और बार बार नहीं दिखाऊंगा ना बताऊंगा, संकेत बताऊंगा। सतनाम पालड़ रंग होरी हो, और 14 लोक चढ़ाव रोम रंग होरी हो, 3 लोक पासंग धर रंग होरी हो, तो ना तुले तुलाया राम रंग होरी हो। ओए होए, अपने आत्मा एक मजदूर करता मजदूरी 250 रुपये 200 रुपये मुश्किल से प्राप्त होते सारा दिन में, और एक ऐसा बिजनेस करता है कि 1 लाख रुपया रोज का गल्ला उठाता है, तो वो जल्दी सेठ बनेगा। इसी प्रकार ये दास आपको ऐसा बिजनेस ऐसा सौदा देगा जिससे आप घनी जल्दी सेठ बन जाओगे भक्ति के। तो ये तरीका जो दास के पास है ये है वो। तो परमात्मा ने ये ज्ञान दिया है कि श्वास उश्वास में नाम जपो, व्यर्था श्वास मत खो, ना जाने इसी श्वास को आवेण हो के ना हो। तो ये श्वास का सिमरण था, ये वाणी सभी पढ़ते हैं, दूसरे संतों पंथों वाले भी यही वाणी बोलते हैं, लेकिन उनके पास कोई वस्तु है ही नहीं, ये वाणी बोल देते हैं, उनके पास इसका कोई वो नहीं है, समाधान नहीं है। उनके विषय में कहते हैं कि बेखों के लश्कर फिर ये वाणी चोर कठोर, और सतगुरु धाम ना पहुंचेंगे ये 84 के ढोर। अब क्या बताते हैं गरीबदास साहिब जी, परमात्मा से प्राप्त ज्ञान से परमात्मा ने इनको दोबारा दिया यथार्थ ज्ञान, जो कि श्री कबीर सागर में भी लिखा हुआ है कि ब्रह्म पंथ में का जो प्रवर्तक होगा उसके माध्यम से मेरी यथार्थ भक्ति और यथार्थ ज्ञान पुनः प्रकट करवाऊंगा। तो उन्होंने क्या लिखा है कि सतनाम जैसे तराजू होती है तखड़ी, उसकी एक पलड़े में तो श्वास उश्वास का एक मंत्र, एक जैसे एक मंत्र सतनाम में 2 अक्षर हैं, अब 1 अक्षर तो आप बाहर छोड़ते हो श्वास से, 1 अंदर लेते हो, ये कंप्लीट एक मंत्र का बेनिफिट हो गया। लेकिन ये करना है ध्यान सुरत और निरत से, सुरत निरत से कैसे कि नो देखे मैं बाहर कौन सा मंत्र छोड़ रहा हूँ, वह सुरत रखे उस पर, तो न्यू देखे सांस में ऊपर में कौन सा जप रहा हूं और बाहर कौन सा छोड़ रहा हूं। तो ये ऐसे किया हुआ एक मंत्र का जाप आपको इतना कीमती हो गया, उसकी कीमत रख दे 1 तखड़ी के तराजू में, और दूसरी तरफ यहाँ के 14 लोक दर्दे ठाक है, दूसरी तरफ ये सभी ब्रह्मा के लोक विष्णु के लोक और शिव का लोक दुर्गा का लोक धर्मराज का लोक ऊपर के खेड़े ये सब गोलोक और ब्रह्मलोक उसके अंदर भी कई डिवीजन है, ये सारे मिलाकर 14 लोक बनते हैं, और ये 3 लोक अलग हैं स्वर्ग लोक पृथ्वी और पाताल लोक। कहते 3 लोक पासिंग दरे, ओए होए इब हम तो एक सरपंच बन जाए उस समय काख पीटन लग जाते हैं, और चेयरमैन बन जाते ने सोचा करा के बन गए, और MLA बन गए तेने सोचा बस मौज माच गई, मंत्री मुख्यमंत्री एक टुकड़े का बन गया तेने सोचा पता नहीं क्या खुदा बन गया, नहीं कहते 3 लोक ने इस कहते कबीर सब जग निर्धना धनवंता ना कोई, धनवंता सो जानियो जिस पे यो सत्य नाम धन होई। तो जिसके पास ये धन है आप कितने धनी हो, और आपके पास वो लाल है जोर ही परख देगा इसकी कीमत है, आम जनता नहीं दे पाओगे आपको, और इसको किधर यहाँ खोल के बिना बैठी हो वही दिखाना। अब तूड़े की मंडी में
बताओ वहां कोई बेर बेच वह सोना बेचने जा कौन लेगा वहां। तो अब ये तो तूड़े की मंडी है, वो सराफ बाजार ऊपर है त्रिकुटी का ऊपर, वहां लेगा वहां कीमत मिलेगी आपको इसकी, वहां तक संभाल कर रखियो, इसने बर्बाद ना करियो या बांटियो ना आशीर्वाद दे देकर, इसने संभाल कर रखना अपनी को पूंजी को। अब कहते हैं सतनाम का एक सिमरन, सतनाम पालड़ रंग होरी हो और चौदह लोक चढ़ाव राम रंग होरी हो, ये तीन लोक स्वर्ग लोक पूरी पृथ्वी लोक और पाताल लोक, इन तीनों को तो पासंग रख दे। पासंग क्या होती है तो आपका ना याद होगी, हमने वो जमाना देखा है जब ये वाणी बोली गई थी और उसको समझाने के लिए दास का उस टाइम जन्म दिया है कि ताकि मैं पिछली भी भाषा जानू, री बाड़ी भी जान रहे, वहाँ पाड़ी अंग्रेजी अंग्रेजी थोड़ी बहुत आवे है, ना हिंदी तो बोले लूँगा, और वो मातृभाषा अपनी हमारे याद है क्योंकि गरीबदास जी हरियाणा के थे, उसी भाषा में बोल रखी है। अब समझाने के लिए दास भेज दिया दोनों का मीडिया बना के, अब कति समझा दूंगा, दाना दाना गिनवा दूंगा परमात्मा के कहना चाहूँ थे। अब क्या कहते हैं पासिंग, पासिंग शब्द आए इसमें, पासिंग क्या होती है कि दास का जन्म एक किसान जाट परिवार में हुआ, हमारे घर ये लाला जी सेठ आया करते थे गेहूं बाजरा ज्वार गुड़ खरीदने के लिए, तो वो तोल्या करते थे, तो हमारे पिताजी कहते थे कि भाई पहले यत्राजू चेक करा सेठ जी, कोई पासिंग तो नहीं है इसमें, तो वो दिखाता था, उसमें कोई गड़बड़ी होती थी तो उस कणक में से, जैसे गेहूं तोल रहे हैं 50 मण तोलना है, उसमें से 4-20-30 दाने उठा के और तकड़ी के एक पलड़े में डाल दिया करते, वो पासिंग बोलते थे, एक पासिंग डाल दी, वो इकसार कर देती थी तकड़ी की, तकड़ी की एरर को बैलेंस की एरर को ठीक हो जाती थी, और वो इतने गेहूं होया करते उसको पासिंग कहा करते, वो तो सौदे में भी कोई ना ऊँ पड़े रहा करे बट्टों की साइड में। तो परमात्मा कहते इस एक सांस की सिमरन इतना गजब का है, ये एक सतनाम का विधिवत प्राप्त करके इस दास से प्राप्त करके और सत्सुरत नर से जाप मर्यादा में रहते हुए करोगे तब इसका फल है। तो क्या कहते हैं सतनाम पालड़ रंग होरी हो और 14 लोग दूसरे पालड़े में 14 लोग चढ़ा दे, एक में सतनाम का एक सिमरन की कीमत रख दे, और ये तीन लोग तीन लोक पासंग धरे रंग होरी हो तो ना तुल तुलोया राम रंग होरी हो। तो ये नाम आपको ऐसा दिया जा रहा है आपकी इतनी कीमत बनाओगा। जब तो जिस समय आप त्रिकुटी पर पहुंचोगे तो दास के रूप में परमात्मा चाहोगा चलो भाई अकाउंट कराते हैं वहां चल के, और आपकी मौत नहीं होगी, ठीक है पीछे यू कवर तो छोड़कर जाना ही पड़ेगा, यू कवर ना गया किसी के साथ, एक भगवान का तो शरीर अलग था विदेह थे वो तो, और इसको छोड़कर इसके अंदर है वो ओरिजिनल बॉडी, जैसे सर्प कांचली छोड़ देता है, और सर्प तो न्यारा है वह कांचली एज इट इज है दानु सर्पा पड़ा है, लेकिन वो कांचली तो ऊपर का कवर था, तो यह शरीर तो ऐसा है कांचली उस सर्प की कैंचुली समझ लो, और यह छोड़कर जाएंगे ओरिजिनल शरीर और है सूक्ष्म शरीर। अब जो भक्ति नहीं करते उनका शरीर तो कति दुबला बेकार सा होता है, उसकी शक्ल भी अच्छी नहीं रहती, और जो भक्ति करके जाते हैं वो इतना मजबूत हो जाता है, इतने उसके अंदर होती है उसके अंदर तेज होता है, इसे निकलने के बाद वो नारा चमकता है। तो जब आप ऊपर जाओगे ये शरीर छोड़ के तो वहां आपको फिर वहां ले जाया जाएगा, गीता अध्याय नंबर जो 18 के श्लोक नंबर 66 में कहा है सर्वधर्मान परितजमाम एकम शरण वर्ज, जो गीता ज्ञानदाता कहता है कि मेरे सत्र की सभी पूजाएं मुझे छोड़ मुझे दे दे, फिर उस एक की शरण में अब तू जा, एकम जिसके बराबर दूसरा ना हो, सर्वशक्तिमान परम अक्षर ब्रह्म, अब उसकी शरण में जा। तो वहां जाकर के परमात्मा
आप उनको कहेगा, उनके लेखाकारों को जो अकाउंट ले रहे होते हैं, तो वहां जाके कहेगा कि लो जी अपना अकाउंट निकालो, इनका ये नंबर है। प्रत्येक आत्मा का नंबर कोड वर्ड कोड नंबर अलग है, और ये इसका अकाउंट है, ये इसकी पूंजी है। आप देखो तो इतनी कमाई पाओगे आपकी सोम नाम की, यानी प्रथम मंत्र की जो विधि से किया गया है, वो देखते रह जाएंगे। और कहता बाकी भी थारी रही, पकड़ो तुम इसने, छोड़ो इसको। अब वहां अकाउंट क्लियर करा का आपको फिर सतनाम के जो दूसरा मंत्र है सतनाम के अंदर, वो किराया देना हमने सात संग ब्रह्मांड का रास्ता पार करना है, उसके क्षेत्र से पार होकर जाना है। या सब होटल बनाए बैठे पुण्यात्माओं, सभी उस भगवान के मुजारे और भिखारी हैं। ये ब्रह्म लोक बना रखा है इस ब्रह्म ने, यहाँ भक्ति करवाता है, वहाँ धन लेकर वहाँ जाते हैं, वहाँ इनको सुविधा देता है, अपना कमीशन नारा लेता है और रेट चार्ज ज़्यादा लगाता है। आपको आपकी भक्ति धन से वो खुद अपना ये 21 ब्रह्मांड चला रहा है, ऐसे सात संग ब्रह्मांड चला रहा है वो अक्षर पुरुष। तो वहां से भी निकलेंगे तो आपको किराया देना पड़ेगा, उसका चार्ज देना पड़ेगा, उसका टोल टैक्स देना पड़ेगा। उस दूसरे मंत्र का जो टोल टैक्स है, हम उस ग्यारहवें द्वार को पार करके उसमें प्रवेश करेंगे जब सात संग ब्रह्मांड के क्षेत्र में, वहां भी यही व्यवस्था है, वहां भी एक अलग से त्रिकुटी है जहां उसका एक कॉमन प्लेटफॉर्म है, सारे वहाँ ऑफिस मिनी सेक्रेटरिएट समझ लो। तो वहां जाकर फिर खड़े होंगे परमात्मा कि लो जी ये आपकी टोल टैक्स बना दो, बारहवें द्वार तहीं का सीधा। तो वहां से वो देकर उनकी पूंजी बनवा के वहां से टिकट, फिर सतनाम का जो सत शब्द है 18वें अध्याय के 17वें श्लोक में, ओम तत् सत, तो सत शब्द है वो आदि नाम सार नाम सार शब्द है, उसकी कमाई लेकर आप फिर सतलोक में प्रवेश करोगे, वहां सदा निवास रहोगा, वहां कभी बोर्ड कर वापस नहीं आओगे। तो यहाँ परमात्मा कहते हैं नर नारायण देही पाके तू फेर चुरासी जाही, जा सतगुरु की मैं बलिहारी जो जामण मरुण मिटाही। गरीबदास जी कहते हैं उस संत के उस सतगुरु की बलिहारी जाऊं जो जन्म और मरण के इस झंझट ने काट दे। जग सारा रोगिया रे जिन सतगुरु वैद न जान्या, जग सारा रोगिया रे जग सारा रोगिया रे जिन सतगुरु वैद न जान्या, जग सारा रोगिया रे जग सारा रोगिया रे जिन सतगुरु वैद न जान्या, जग सारा रोगिया रे। भाई जन्म मरण का रोग लग्या या तृष्णा बडरी खांसी, आवागमन की डोर गले में पड़ी काल की फांसी, जग सारा रोगियो रे जिन सतगुरु वैद न जान्या, जग सारा रोगिया रे। भाई साचा सतगुरु कोई न पूजे इन झूठों जगपति आसी, अंधे की बागही अंधे ने ये मार्ग कौन बतासी, जग सारा रोगिया रे जिन सतगुरु वैद न जान्या, जग सारा रोगिया रे जग सारा रोगिया रे जिन सतगुरु वैद न जान्या। भाई सार शब्द सर जीवन बूटी घस घस अंग लगावे, सार शब्द सर जीवन बूटी घस घस अंग लगावे, कहे कबीर तुम सतकर मानो ये जन्म मरण मिट जावे, जग सारा रोगिया रे जिन सतगुरु वैद न जान्या, जग सारा रोगिया रे जग सारा रोगिया रे जिन सतगुरु वैद न जान्या, जग सारा रोगिया। तो ये दास है वो आज के वर्तमान में सतगुरु
जिसके पास ये सार शब्द सरजीवन बूटी है। जा सतगुरु के। और गरीबदास जी कहते हैं जा सतगुरु की मैं बलिहारी जो जमन बड़ मिटाई। और नकली सतगुरु है गुरु है, सतगुरु वही है जो जन्म और मरण के इस दीर्घ रोग न काटते। तो पुणात्माओं सतलोक आश्रम बरवाला में आओ, अपना कल्याण करवाओ और समझा है तर दर पाओ और बहुर नहीं रहे ऐसा था।